विषय है पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक कथा काव्यों की देशज परंपरा का विवेचनात्मक अध्ययन। प्रोफेसर भाभा ने जब ज्वाइन किया था उसके कुछ ही समय बाद मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद निरंतर आपके संपर्क में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हम तो अभी सीखने की स्थिति में है, बहुत सारी चीजें आपसे जानने को समझने को मिली। मैं ये कह सकता हूं कि हिंदी में जो शोध होते हैं आजकल, हम देखते हैं कि विमर्शों के जाल में पूरा हिंदी का विवेचनात्मक परिदृश्य उलझा हुआ है और शोध के नाम पर कुछ साहित्य या कुछ खासकर मध्यकालीन साहित्य पर बिल्कुल चर्चा नहीं होती। तो आपका जो शोध कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है कि वो मध्यकाल को पश्चिम मध्यकाल को आज वाले मध्यकाल को विषय बनाता है और वास्तविक शोध जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी भाषा के बारे में चर्चा करना, उसके छंदों के बारे में, उसके का उसमें समाज में कैसे स्थिति रही है उसके बारे में चर्चा करना, ये सारी चीजें आपने की। अधिकतर लोग हम सारे लोग आपसे परिचित ही हैं। आप आचार्य तथा अध्यक्ष रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के। आपकी कई पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित हुई हैं। अभी पिछले वर्षों में ही हम लोग निरंतर देख रहे हैं आपकी पुस्तक जो पंचरंग चोला पहर सखीरी, जो मीरा पर एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कोर्स को सामने रखती है, उसका वो बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध हुई थी। उसका हिंदी अनुवाद भी आया, अंग्रेजी अनुवाद भी, मीरा वर्सेस मीरा, जो कि बहुत प्रचलित रहा। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें आपकी हैं, सीढ़िया चढ़ता मीडिया, मीडिया साहित्य और संस्कृति, कविता का पूरा दृश्य, आप को भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रकाशन विभाग भारत सरकार का प्राप्त हुआ है, राजस्थान साहित्य अकादमी का देवराज उपाध्याय आलोचना पुरस्कार, और आप साहित्य अकादमी के साधारण और हिंदी परामर्शदात्री समिति दोनों समितियों के सदस्य रहे हैं। आपका जो कार्य है उसके विषय में हम सुनेंगे ही। जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है, कई दृष्टियों से, साहित्य की दृष्टि से भी है और इतिहास की दृष्टि से भी है, काव्य की भाषा की भी दृष्टि से है। आपने इनके शोध सारांश को पढ़ा ही होगा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इन्होंने ये की है कि भारत में इतिहास संकलन की अपनी एक शैली है और उस शैली को नहीं समझ पाने के कारण भारत में जो इतिहास की संकलन की इतिहास की दृष्टि जो है वो उन स्रोतों को जीवाश्मीगत करके नहीं देखती, उसको नहीं देखती है। हम उन ग्रंथों के साथ जीते हैं, हम रामायण महाभारत के साथ जीते हैं और उसको किस तरह से अपने जीवन का अंग बनाते हैं तो उसको एक विशिष्ट काल या विशिष्ट देश के दायरे से निकाल करके उसको अपने समकालीन देश और समकालीन काल के साथ जोड़ते हैं। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आप देख सकते हैं, भगवद गीता जो 5,000 साल पहले लगभग हुई थी, लेकिन 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर कहते हैं, उसमें अर्जुन ज्ञानेश्वरी में अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे संस्कृत नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे मराठी में सिखाइए, मराठी में समझाइए। तो आप देखिए, भाषा की, देश की, काल की, क्षेत्र की सारी मर्यादाएं छूटती नहीं है, वहां रहने के बावजूद वो अतिक्रांत करके वे ग्रंथ समृद्ध हो रहे हैं, इतिहास समृद्ध हो रहा है, वे स्रोत जिए जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके उसमें पद्मिनी विषय का ऐतिहासिक तथ्यों को आपने जो उजागर किया है उसमें देखने को मिली। और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम आज सुनेंगे और उसके बाद चर्चाएं होंगी। मैं बड़े ही सम्मान के साथ प्रोफेसर हाडा को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।
संस्थान के सम्माननीय कार्य उपाध्यक्ष और संप्रति कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर चमनलाल जी गुप्ता, मेरे अनन्य मित्र और इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जी शुक्ल देतागण और सह देतागण, आज बहुत सारे संयोगों का दिन है, नवरात्रि स्थापना है और संस्थान के इतिहास में पहली बार कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य और भाषा का उपाध्यक्ष भी है और निदेशक भी है। वे पहली बार संस्था अध्येताओं के औपचारिक कार्यक्रम में है, मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। ये अंतिम प्रस्तुति है इसलिए मैं कुछ कृतज्ञताएं ज्ञापित करूंगा। सबसे पहले मैं इस संस्थान का ऋणी हूँ, जीवन का इतना उर्वर जिसको कहते हैं वो समय कभी नहीं रहा, 2 साल बहुत उर्वर समय, बहुत सारा काम किया, इसके लिए मैं संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल कपूर जी का, उपाध्यक्ष प्रोफेसर चमनलाल जी गुप्ता का, पूर्व निदेशक प्रोफेसर मकरंद जी परांजपे का, वर्तमान निदेशक सम्माननीय चमनलाल जी गुप्ता का, पूर्व सचिव डॉक्टर विजय तिवारी जी का और वर्तमान सचिव प्रेमचंद जी का हृदय से आभारी। चयन समिति का, शासी परिषद का, सबका हृदय से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने यहाँ इस तरह काम करने का अवसर दिया। सोचता तो मैं बहुत पहले से था लेकिन ये संयोग सेवानिवृत्ति के बाद ही बना और ये जीवन का सबसे सफल और महत्वपूर्ण समय था। यहाँ रहकर इस काम के अलावा भी बहुत काम किया। संस्थान के कर्मचारियों का, अधिकारियों का भी हृदय से कृतज्ञ हूँ, संस्थान के सुरक्षा स्टाफ का भी हृदय से कृतज्ञ हूँ, कोरोना काल में उन्होंने बहुत सहयोग किया। ये प्रस्तुति थोड़ी जटिल प्रकार की प्रस्तुति है, जटिल है नहीं, बना दिया गया है और इसको इस रूप में तैयार करने में, खासतौर पर इसका पहले अध्याय को यह रूप देने में, भारतीय इतिहास चेतना का स्वरूप और उसके विकास की रूप रूप रेखा तय करने में बलराम जी की बड़ी भूमिका है। मेरा संस्कृत में हाथ तंग है तो उन्होंने ये कार्य करने में बहुत मदद की। हिंदी का आदमी संस्कृत कितने ही मनोयोग और कितना ही ध्यान रखकर लिखे, अशुद्धि की संभावना रह जाती है और ये संस्थान के अधीन होने वाला कार्य था तो उन्होंने बहुत मनोयोग से इसको देखा। बहुत सारे मित्र शायद जुड़े हुए हैं, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रोफेसर पटेल है, रमाशंकर सिंह जी है, बहुत सारे लोगों ने निरंतर साथ रहकर सहयोग किया, बाद में सुमित जी जुड़ी, सुमनदीप जी जुड़ी, मैं आज इन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस संस्थान की अपनी परंपराएं और अद्भुत किस्म की परंपराएं, हम जो विश्वविद्यालयों से आए हुए तो वहाँ इतना सहयोग का रुख कर्मचारियों का नहीं रहता, अधिकारियों का नहीं रहता। इस संस्थान में आपको कुछ भी जरूरत है, यहाँ के लोग तत्काल आपका आपकी मदद करते हैं, तत्काल आपका सहयोग करते हैं। एक ऋण व्यक्त नहीं करना चाहता होगी वो काश कर वे आपको किताब नहीं चाहिए तो आपको स्टडी में ला करके देंगे, ऐसे ही मैं आज उन सब के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रस्तुति 2 भागों में, और अध्यक्ष जी से अनुमति लूंगा कि थोड़ा इसमें समय लगेगा। पहले मैं जो पूरा शोध कार्य है उसकी एक छोटी सी रूपरेखा और जो निष्कर्ष है वो आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद एक इसका अध्याय जिसमें आप सबकी रुचि होगी और हर व्यक्ति की रुचि होती है इस देश में रहने वाले की,
इतिहास और मिथ इस कथा से संबंधित उन उन पर बातचीत करेंगे थोड़ा विस्तार से। ये प्रकरण जटिल नहीं था। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों और विद्वानों ने इसको अकारण जटिल कर दिया। ये बहुत पद्मिनी कथा, पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण एक मान्य सत्य की तरह भारतीय जनसाधारण की स्मृति में सदियों से है, खासतौर पर उत्तर भारतीय जनसाधारण की स्मृति में सदियों से है। लेकिन इतिहासकारों ने, खासतौर पर उपनिवेश काल के बाद की पीढ़ी के इतिहासकारों ने, जिनका प्रशिक्षण और अभ्यास यूरोपीय ढंग के इतिहास का था, उन्होंने इस प्रकरण को अकारण विवादित कर दिया और इस पर इतनी बातचीत करने की अब जरूरत इसीलिए हो गई। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों के बारे में एक बात जो कही जानी चाहिए, हमारे एक मित्र थे पहले और शायद आज जुड़े हुए चहल साहब, वे इसको अनाधिकार हस्तक्षेप मानते थे, लेकिन आज ये कहा जाना चाहिए कि यदि निष्कर्ष उनके किसी मनोनुकूल निष्कर्ष की पुष्टि के लिए यदि कोई अपुष्ट प्रमाण भी मिल जाए तो वे तत्काल एक निष्कर्ष, एक धारणा कायम कर लेते। इस प्रकरण के संबंध में भी यही हुआ। अपुष्ट प्रमाणों के आधार पर अपुष्ट धारणाएं बना ली गई और उनको फिर उन पर दो हिस्ट्री कांग्रेस ऐसी हुई जिसका सारा फोकस, जो पूरी की पूरी विमर्श केवल इस प्रकरण पर एकाग्र रहा और निष्कर्ष अंततः कुछ नहीं निकला। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत पसंद है, एक तो इसलिए कि वो पश्चिम यूरोप की ओर पीठ किए करके खड़े हुए नहीं है। हम अक्सर यूरोप की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं। उनका रवैया मुठभेड़ का है, द्वंद्व का है। एक उन्होंने अच्छी बात कही कि अंधविश्वास का इतिहास सभी देशों का समान होता है। उपनिवेश काल में एक बात हुई कि उन्होंने शेष विश्व को अर्ध सभ्य या असभ्य मानकर ये मान लिया कि उनके विश्वास, उनकी धारणा, दूसरों की धारणाएं, दूसरों के विश्वास तो अंधविश्वास हैं और उनके विश्वास विश्वास हैं, जबकि ये ऐसा होता नहीं है। अंधविश्वास जैसे हमारे यहाँ है यूरोप में भी है। एक और बात जो इन रचनाओं के संबंध में, जो बाद में शायद ना आएगी, मैं कहूंगा कि ये कोई शास्त्र सिद्ध रचनाकार नहीं है, गांव कस्बों के रचनाकार, बिल्कुल दूरस्थ गांवों के। और ये मध्यकाल में आप जानते हैं कि आवागमन के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, तो अलग अलग स्वायत्त सांस्कृतिक इकाइयों में गांव कस्बों के रचनाकार थे और इनकी कवि शिक्षा भी अनौपचारिक ढंग की थी। इन्होंने कहीं कोई कवि शिक्षा प्राप्त नहीं की किसी स्कूल पाठशाला में, या तो ये गुरु प्रदत्त है या फिर पैतृक है। दो तरह के रचनाकार हैं यहाँ, चारण और जैन। तो चारणों के यहाँ ये पैतृक है कवि शिक्षा और जैनियों के यहाँ गुरु प्रदत्त कवि शिक्षा, लेकिन है बिल्कुल अनौपचारिक ढंग की। मध्यकाल में सबसे अधिक कवि शिक्षा संबंधी ग्रंथ बलराम जी जानते हैं, पश्चिमी भारत राजस्थान में लिखे गए। छंद शास्त्री ग्रंथ तो सबसे अधिक राजस्थान में लिखे गए। एक ही रचनाएं ऐसी हैं जो जिनमें से कुछ में पुष्पिका लेख हैं, तो समय और स्थान का संदर्भ दिया गया है। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को, और इस तरह इस निरंतरता में उनमें 12वीं शताब्दी का भी उल्लेख है, 13वीं शताब्दी का भी उल्लेख है, 14वीं का भी उल्लेख है। तो कोई समय तय करना यूरोपीय संस्कार देवताओं ने ये किया। बुलर बहुत बड़े विद्वान थे, पृथ्वीराज रासों का संपादन शुरू हुआ
और नागरी प्रचारणी सभा से और नहीं क्षमा कीजिए, एशियाटिक सोसाइटी से। बाद में उन्होंने उसको रुकवा दिया कि ये जाली और अप्रामाणिक रचना है। बाद में हिंदी की पहली बहस, हिंदी आलोचना की बुनियाद जिसको कहते हैं, वो रासों के विवादों पर ही हुई। स्थानों का उल्लेख मिलता है। समय का निर्धारण उन रचनाओं में उल्लिखित शासकों के कार्यकाल के आधार पर तय किया गया है, बहुत सारी रचनाओं का। एक बात और जो महत्वपूर्ण है, आज आधुनिक इतिहासकारों में से शायद पटेल साहब जुड़े हुए हैं, इतिहासकारों की निर्भरता पुरालेखीय साक्ष्यों पर होती है। ये आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, पुरातात्विक साक्ष्यों पर। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य हमेशा आपको सही दिशा में ले जाएंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। पुरातात्विक साक्ष्य आपको ले जाते भी हैं, लेकिन कई बार वे आपको गलत निष्कर्षों तक भी पहुंचाते हैं। और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्यों ने भी, बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको कुछ गलत निष्कर्षों तक पहुंचा दिया। एक बार और, जायसी आज के विवेच्य नहीं है। जायसी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में होता है पद्मावत। पद्मावत का प्रसंग जरूर आएगा, लेकिन वो वर्ण्य नहीं है, क्षमा कीजिए, ये वो कविता नहीं है जायसी की, पद्मावत नहीं है। एक बात और जो मैंने अपनी पहली प्रस्तुति में भी कही थी, और आप क्योंकि भारत के अलग अलग भागों से हैं इसलिए बता देना जरूरी है, मेवाड़ एक सांस्कृतिक इकाई है मध्यकाल में और मध्यकाल से पहले भी, और भौगोलिक इकाई भी है, और बहुत समृद्ध उसका इतिहास है। भारतीय पुनर्जागरण काल में मेवाड़ को बहुत स्मरण किया गया, नवजागरण काल में उसके प्रतीकों को, उसकी घटनाओं को। और महाराणा सांगा के समय, बाबर से पहले, वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य भी, ऐसा कहा जाता है। चहल साहब होते कहते तो प्रमाण दो, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज सुमित्र से इस वंश की शुरुआत हुई, मेवाड़ में शासनकार। 560 ईस्वी में गुहिल नाम के राजा हुए, और ज्ञात इतिहास गुहिल से माना जाता है। गुहिल से संबंधित शिलालेख भी मिलते हैं, गुहिल से संबंधित बहुत सारे सिक्के भी मिलते हैं, और पुरालेखी अभिलेख भी मिलते हैं, इसलिए ज्ञात इतिहास 560 से है। एक और बात जो बाद में शायद नहीं आएगी, उसकी भी चर्चा पहले करूंगा, ये गैर धार्मिक रचना है। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों की मुश्किल है कि वे इस्लामी भारतीय वृत्तांतों पर निर्भर करते हैं, जो अनिवार्यतः धर्मशास्त्र का अंग है, चाहे वो खजाइनुल फतू हो, तारीख फिरोजशाही हो, फतू सलातीन हो, सभी के सभी अनिवार्यतः धर्मशास्त्र के अंग है। इसलिए वे ऐसी कोई बात नहीं करते जो धर्म के नीति विधान के विपरीत जाती हो। चाहे इसी भी अंत में यही कहते हैं, चितुर भा इस्लाम, उनके लिए इस्लाम की विजय। कोई जिन रचनाओं की विविच रचना, जो विविच रचनाएं, उसमें रत्न सिंह की जीत है, लेकिन ये हिंदू जीत नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा, किसी भी रचनाकार ने कभी नहीं कहा, ख्यातों में भी कभी नहीं कहा। आधुनिक इतिहास जिसको अनिवार्यतः क्रिश्चियन धर्मशास्त्र का अंग है, बल्कि आधुनिक इतिहास की बुनियाद ही चर्चों में रखी गई। मार्क ब्लॉक, जो भारतीय आधुनिक इतिहास के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने तो कहा था, हितेंद्र जी उस समय थोड़े आश्चर्यचकित थे कि क्या ऐसा भी हुआ है। उन्होंने कहा था, ईसाइयत इतिहासकारों का धर्म है। हमारी ये विडंबना है कि फिर भी हमारी निर्भरता उन पर अधिक है। मैं प्रस्तुति आरंभ करता हूं, और आरंभ में बहुत संक्षेप में, एक्सक्यूज मी सर, वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, आवाज कम आ रही है सर।
कम आ रही है, चालू तो है ना, थोड़ा सा आगे कर लें। हाँ, आवाज को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, सही आवाज है, प्रॉब्लम आ रही अब ठीक है। सर? अब देख लीजिए जरा। हाँ, अब आ रही है सर। हाँ, आ रही है सर, नितिन जी पटेल। जी थैंक यू सर। थोड़ा इट्स ओके ओके। चहल सर आ गए क्या? अच्छा हाँ, चहल भी है। मैं हम इतिहासकार लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हाँ, हमारी हमारी खिंचाई भी तो हो रही है हाँ सर, ना। कथा बीजक ये एक शब्द है जो राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान के आप सभी जगह प्रचलन में है। प्राय हम अपनी ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति को संक्षिप्त करके कवित्त या दोहे में संजो लेते हैं अपनी स्मृति में। इसको कथा बीजक कहते थे। 1303 में ये प्रकरण हुआ, पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण, और कथा बीजक के रूप में ये हमारी स्मृति में सदियों से। खास बात ये महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान दी जानी चाहिए। आज से नहीं है, आधुनिक इतिहासकारों ने, बाद में हम चर्चा करेंगे इसको लेकर कैसी भ्रांतियां प्रचलित हुई। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और आक्रमण के दौरान या आक्रमण के समय या आक्रमण के आसपास जो वृत्तांत लिखे गए, इस्लामी वृत्तांत, मैंने कहीं भी इतिहास नहीं लिखा, जबकि आधुनिक इतिहासकार उनको इतिहास कहते हैं। ये दरअसल वृत्तांत है। पहला वृत्तांत है अमीर खुसरो का, खजाइन उल फतू, और अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान में साथ थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो उसके बारे में जैसा आधुनिक इतिहासकारों का दृष्टिकोण है कि उसका अनुभव अधिक प्रत्यक्ष और आनुभविक है, और वे उस पर निर्भर करते हैं। दोनों बार जब बहस हुई 1960 में और बाद में 2017 में जब फिल्म आई, तब सबसे अधिक उल्लेख खजाइन उल फतू का हुआ। सभी लोगों ने खजाइन उल फतू का उदाहरण दिया और ये कहा कि ये क्योंकि अमीर खुसरो ने इस प्रकरण का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए इस तरह की कोई घटना इतिहास में नहीं हुई। दूसरी उन्हीं की रचना है, दिबल रानी तथा खिजर खां, 1318-1319 ये युद्ध के बाद लिखी गई, चित्तौड़ अभियान के बाद लिखी गई, प्रकरण का उल्लेख उसमें भी आता है। लेकिन इसमें भी दोनों में चित्तौड़ पर अभियान का जिक्र तो है, लेकिन पद्मिनी का जिक्र नहीं है, पद्मिनी और गोरा बादल का जिक्र नहीं। तीन जो महत्वपूर्ण चरित्र हमारे विवेच्य कथा काव्यों के हैं वे चरित्र में। और जियाउद्दीन बरनी, क्षमा कीजिए, अब्दुल मलिक एसामी, जिनकी फतूह सलातीन है 1350 में, इन तीनों में अनुल्लेख के अभाव में भी ये मानते हैं अधिकांश इतिहासकार कि पद्मिनी और गोरा बादल नाम के कोई चरित्र नहीं हुए, और अलाउद्दीन ने आक्रमण पद्मिनी के लिए चित्तौड़ पर नहीं किया। एक और परंपरा है हमारी, पद्मिनी रत्न सेन प्रकरण पर निर्भर, जो जायसी से सर्वथा अप्रभावित और अलग है। जायसी से उसका कोई, पद्मावत से उसका कोई दूर दराज का संबंध नहीं है, और ये 16वीं से लगाकर 19वीं शताब्दी तक निरंतर और विस्तृत परंपरा। भारतीय इतिहास में, भारतीय साहित्य में ऐसा कम हुआ कि किसी एक प्रकरण पर निरंतर 4 शताब्दियों तक अलग-अलग ढंग से देशज भाषाओं में रचना कर्म होता रहा हो। ये एक ही प्रकरण ऐसा है जिस पर, खैर देखिए, मोटिव बहुत मिलते हैं जैनियों के, अभी मिलते हैं नर्मदा सुंदरी पर है, बहुत लोगों पर है, लेकिन ये अपने ढंग का अलग प्रकरण है जिस पर लंबी परंपरा।
ये आप देखेंगे कि ये आठ रचनाएं कुल हैं। ये एक छोटी सी रचना है गोरा बादल कवित्त, ये 1588 से पूर्व की रचना है। इसमें स्थान और समय का संदर्भ दिया हुआ नहीं। ये राजस्थानी के बहुत बड़े विद्वान हैं, बल्कि भारतीय साहित्य के बड़े मनीषी हैं। अक्सर हम बड़े मनीषियों की चर्चा कम करते हैं। अगरचंद नाहटा, अगरचंद नाहटा के संग्रह में ये इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध है, और बाद में वहीं के शार्दुल जो शोध संस्थान है उन्होंने इसको प्रकाशित भी करवाया। बहुत छोटी सी 84 छंदों की लघुकाय रचना है। इसके समय का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि आगे की रचनाओं में, जो आगे की रचनाएं आप देख रहे हैं, हेमरतन की गोरा बादल पद्मणि चौपाई, जटमल नार की गोरा बादल कथा, और लब्धोदय की पद्मिनी चरित्र चौपाई, और दलपति विजय की खुम्बान रासो, इसमें इसको उद्धृत किया गया गोरा बादल कवित्त को। अब यदि 1588 में गोरा बादल कवित्त को उद्धृत किया गया है, तो आप अनुमान कीजिए कि ये अपने समय में जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना रही होगी। और कोई लोकप्रिय रचना केवल 50 वर्षों में नहीं हो जाती, वर्षों लगे होंगे। इसका मतलब इसका समय तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये 1588 से पूर्व की रचना है, और ये भी तय है कि 1540 जायसी के पद्मावत से भी पहले की रचना। और 1588 ये 48 वर्ष बाद, जायसी के 48 वर्ष बाद हेमरतन ने राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है सादड़ी, रणकपुर के नीचे, वहां जैन यति थे, उन्होंने लिखी। थोड़ा सा हम जैन यतियों और चारणों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। देखिए एक बात और है इनमें, इन रचनाओं में, ये एक परंपरा में, निरंतरता में, पहला रचनाकार दूसरे से बहुत कुछ लेता है, फिर तीसरा भी बहुत कुछ लेता है। मौलिकता का कोई आग्रह कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबका विस्तार और पल्लवन अपने ढंग का है, अपने अपने तरह से रचनाओं को कठिन करते हैं। इनमें से तीन रचनाएं ऐसी हैं जो चारण रचनाएं हैं, और चार रचनाएं ऐसी हैं जो जैन यतियों की रचनाएं हैं। जैन यतियों के बारे में आप जानते नहीं है, ये जैन मुनि नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में और पश्चिमी भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हुआ। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं के या कर्मकांड के लिए ब्राह्मण होते हैं, जैनियों के यहाँ यति होते हैं। और यतियों का काम ये होता है कि वो कर्मकांड भी करें, साहित्य की रचना भी करें, साहित्य की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी करें। कई बार जैन यति आपको एक चावल के दाने पर ग्रंथ लिख कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और जो जैन साहित्य आज सुरक्षित है बहुत सारे अर्थों में, वो इन जैन यतियों के कारण ही है। लब्धोदय भी जैन यति थे, और जटमल नाहर की रचना जैन है, लेकिन वो जैन श्रावक है, जैन यति नहीं है। देखिए आरंभिक थी गोरा बादल कवित्त, गोरा बादल पद्मणि चौपाई, जटमल नाहर की गोरा बादल कथा, और लब्धोदय की कृत पद्मिनी चरित्र चौपाई स्वतंत्र रचनाएं इस प्रकरण पर, केवल यही प्रकरण। और बाद में पद्मिनी समयोच्चारण रचना है, लेकिन उसका स्थान और समय नहीं पता कि इसकी कब रचना हुई, लेकिन ये तय है कि ये जटमल नाहर से पहले की रचना है, क्योंकि इसका कथा विधान, इसकी कथा के मोड़ पड़ाव कमोबेश जटमल नाहर जैसे। दयाल दास राणो कृत राणा रासो भी एक मेवाड़ के इतिहास पर, मेवाड़ की वंश और प्रशस्ति पर लंबी रचना है, उसमें ये एक प्रकरण है पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण, और बहुत लंबा प्रकरण है। और सबसे अंतिम रचना जिसका रचना समय ज्ञात नहीं है, और जो पीढ़ी दर पाठनामा एक रचना, जिसको ये रचना रूप ऐसा रचना रूप है जो कम लोगों को ज्ञात है, ऐसा रचना रूप, ये अपने ढंग का पहला रचना रूप है, जो ये ख्यात और वंश रचना का मिला जुला रूप है, और बहुत अद्भुत रचना है। इसमें भी पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण बहुत विस्तृत, एक पुस्तक जितना लंबा विस्तृत प्रकरण है। और खास बात यह कि चित्तौड़ उदयपुर पाठनामा चारण रचना होते हुए भी एक गद्य रचना, और इसमें ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि गद्य में हमारे यहाँ रचनाएं हुई नहीं,
ये गद्य का, अद्भुत गद्य का और मेवाड़ी गद्य का, सरल गद्य का, और कभी कभी हम इधर कथाओं में जादुई यथार्थवाद की चर्चा करते हैं, उन मित्रों को कभी चित्तौड़ उदयपुर पाठनामा पढ़ना चाहिए। ऐसी अद्भुत गद्य है, किस्सा गोई का इतना अद्भुत संयोग इस रचना में है कि आपको आश्चर्य होगा। कुल मिलाकर ये 8 रचनाएं हैं जो इस शोध कार्य की विवेच्य रचनाएं हैं, और कमोबेश खास तौर पर जैन यतियों की रचनाओं का एक दूसरे से गहरा संबंध है। लब्धोदय की रचना को हेमरतन की रचना पर निर्भर रचना माना जाता है, लेकिन फिर भी उसके मोड़ पड़ाव कहीं कहीं अलग हो जाते हैं। एक बात और है कि जायसी से सर्वथा अप्रभावित और असंबंधित रचनाएं हैं। जायसी का काव्य रूप की, जायसी के काव्य रूप से इनके काव्य रूप का कोई संबंध नहीं है। ये भारतीय ऐतिहासिक काव्य परंपरा का देशज रूपांतरण, शुद्ध भारतीय चेतना, इतिहास चेतना के स्वरूप के बारे में भी इस शोध कार्य में बहुत विस्तार से चर्चा की गई ऋग्वेदिक काल से, और उसकी कुछ विशेषताओं का केवल संकेत करूंगा। वो ये है कि एक तो वो श्रुत पर निर्भर करती है, श्रुत का हमारी परंपरा में बहुत महत्व है, और श्रुत पर हम विश्वास भी बहुत करते हैं हमारी परंपरा में, और श्रुत से विचलन हमारे यहाँ अपराध समझा जाता है। बलराम जी बैठे हुए जानते हैं कि उच्चारण भी हमारे यहाँ गलत उच्चारण भी अपराध माना जाता है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से श्रुत पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। और एक बात और है, इन रचनाकारों ने खासतौर पर लब्धोदय ने, हेमरतन ने और दलपति विजय ने, जो तीनों यति है, उन्होंने कहा भी है कि हमने जो पहला चला आ रहा है वही कहा है। दलपति विजय ने भी कहा है, अपनी तरफ से जोड़ा तो भी कहा है, परंपरा जितना अनुमति देती उतना ही जोड़ते हैं वो लोग। उन्होंने कहा किंचित ग्रंथाधिकारेण, कुछ ग्रंथ के अधिकार में किंचित पूर्वोक्तम जो पहले कहा गया, ये मतलब उसने, हेमरत्न ने तो साफ कहा कि मैंने जैसा संबंध सुना वैसा ही कहूंगा, इसमें अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं जोड़ूंगा, इसलिए इस परंपरा पर, श्रुत पर अविश्वास का कोई कारण नहीं। एक है, हम अतीत को बरतते समय मृत की तरह नहीं बरतते, ठहरे हुए की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं करते। हम अतीत को निरंतर अपने भीतर जीवंत रखते हैं, अपनी स्मृति में निरंतर जीवंत रखते हैं, बल्कि हम उसको कई बार उसका अमूर्तन करते हैं जीवंत रखने के लिए, और ये हमारी परंपरा में है। आप देखिए रामायण, महाभारत, बहुत सारी रचनाएं हमारे यहाँ निरंतर जीवंत रचनाएं हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे अपने समय में भी प्रासंगिक और उपयोगी बनी रहे। ये जो हमारी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा, इतिहास की कई रूप हैं। मैं मतलब आपको आश्चर्य करेंगे कि भारतीय परंपरा में इतिहास के एक भगवत तत्व थे जिन्होंने भारतवर्ष का, हम अपने मनुष्यों को भूल जाते हैं, बहुत सारे मनुष्यों को अब हम नहीं स्मरण करते। मैं कभी कभी कहता हूँ उनका विस्थापन हो गया, उन्होंने 19 इतिहास के 19 इतिहास के समानार्थी या अनुषंग रूपों का जिक्र किया है हमारी परंपरा में। आप सुनिए, परक्रिया, क्षमा कीजिए, ऐतिह्य, पुराकल्प, परिक्रिया, अवदान, आख्यान, अनुवाख्यान, परिकथा, अनुवंश, श्लोक, गाथा, राजशासन, चरित, अनुचरित, कथा, नाराशंशी, पुराण, कई रूपों में। इसलिए ये कहना कि यही परंपरा 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, उसी परंपरा की निरंतरता में 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार इसका रूपांतरण हुआ। रास, रासो, चरित, ख्यात, चौपाई, कवित्त, पाठनामा आदि।
जायसी भी पूरा नहीं पढ़ा और इन विवेच्य रचनाओं को भी पूरा नहीं पढ़ा। आरंभिक अति उत्साही थी, आधुनिक इतिहासकार तो ऐसे थे जिन्होंने ये भी कह दिया कि ये चित्रकूट जो है चित्तौड़, वो चित्तौड़ नहीं है, ये इलाहाबाद के पास का चित्रकूट है। आप यदि जायसी बहुत मनोयोग से पढ़ें तो दुर्ग का भूगोल, दुर्ग के आसपास के कस्बों का भूगोल भी उसमें आता है। इसलिए कभी कभी बहुत, मैंने कहा ना, बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी में हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए एक बात और हुई, ये वो इस्लामी वृत्तांतकार थे जो समकालीन थे अलाउद्दीन के, 1303 के इधर या उधर आगे पीछे, लेकिन परवर्ती इस्लामी वृत्तांतों में इस ये प्रकरण आता है अलग अलग तरह से, थोड़े थोड़े बदले हुए रूप में। और इसके लिए भी ये माना जाता है, आधुनिक इतिहासकार ये कहते हैं कि ये पद्मावत पर निर्भर है सभी के सभी। 1540 में ये सभी रचनाएं बाद की आप देखिए, 1540 में, क्योंकि जायसी ने पद्मावत की रचना कर दी, इसलिए ये मान के चलते हैं कि ये सभी जो वृत्तांत है, अबुल फजल, अब्दुल्ला मोहम्मद अल मक्की, ये बहुत नाम है, हाजी उद्दबीर कह देना चाहिए, और दो तो ये हुए, और ये सभी जायसी पर निर्भर थे। जायसी ने कहा कि इन्होंने वहां से ले लिया, कैस ले अल्लाह ने कहा कि भाई वो तथ्य और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं करते, जायसी ने जब पद्मावत लिखा तो ये उसको ले उड़े अबुल फजल। और लेकिन वस्तुतः यदि अबुल फजल को भी आप अच्छी तरह से पढ़ें, जिसकी थोड़ी चर्चा बाद में हम विस्तार से करेंगे, और हाजी उद्दबीर को भी विस्तार से पढ़ें, तो आपको लगेगा कि इनके मोड़ पड़ाव कहानियों के जायसी से सर्वथा अलग और भिन्न, मिलते ही नहीं कहीं भी किसी तरह की कोई समानता नहीं। हाजी उद्दबीर तो उसको बहन लिखता है, रत्न सिंह की बेटी लिखता है, आप देखिए। फिर भी आधुनिक इतिहासकार यही कह रहे हैं कि ये सारे के सारे उस पर निर्भर हैं, पद्मावत पर। और ये विवेच्य कथा काव्य जितने हैं उनको भी वो ये कह रहे हैं कि ये सभी पद्मावत पर निर्भर वृत्तांत। एक खास बात, जो विवेच्य कथा काव्य है उन्होंने, उनमें एक ही कथा बीजक का अलग अलग तरह से पल्लवन है, विस्तार, घटना के मोड़ पड़ाव किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में गोरा बादल नहीं है, किसी में राजा से रत्न राघव चेतन की अनबन का कारण दूसरा है। पाठनामा तो बहुत अद्भुत रचना, सर्वथा भिन्न। जायसी की तुलना में इनमें मोड़ पड़ाव बहुत कम है, जायसी के यहाँ जैसी फैंटेसी, जैसा विस्तार, जैसी कल्पना है, कल्पना पर निर्भरता इनमें कम है। इनमें से कुछ रचनाकार अपने को, अपनी रचना को इतिहास कहते भी हैं। देखिए इतिहास के नियोजन में भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा की तरह इनमें इतिहास का नियोजन है, ये नहीं कि इनमें इतिहास नहीं, इतिहास है, लेकिन जो हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा जिस तरह से इतिहास नियोजित करती है रचनाओं में, उसी तरह ये करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, ये रचनात्मक विस्तार के लिए, ये बहुत जरूरी है। एक शब्द लिखा गया, बहुत बहुत विख्यात इतिहासकार थे, विडंबना ये कि वे भी चर्चा में नहीं रहे, V.S. पाठक, उन्होंने कहा कि ये रचनाएं जानबूझकर कलात्मक बनाई गई, चाहे वो विक्रमांक देव चरित हो, चाहे वो पृथ्वीराज चरित हो, सभी में। और रचनात्मक विस्तार के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है कि आप कथा रूढ़ियों का, अभिप्रायों का प्रयोग करें। एक बात और है, सारे प्रयोग के बावजूद जिन तीन लोगों के, मैंने ये किया अगले इसकी उपस्थिति में, प्रस्तुति में, कि ये तीन चरित्र राघव चेतन, पद्मिनी, रत्नसेन, राघव चेतन, गोरा बादल, जिनको आधुनिक इतिहासकारों, जिनके अस्तित्व पर आधुनिक इतिहासकारों को संदेह है, उनको दूसरे पुरालेखीय साक्ष्यों से प्रमाणित भी किया।
आगे के अध्यायों में। और ये चारों चरित्र, चारों पांचों चरित्र हमारे पुरालेखीय और साहित्यिक साक्ष्यों से प्रमाणित भी होते हैं। आधुनिक इतिहासकारों के इनके अस्तित्व के अस्तित्व को संदिग्ध मानने की धारणा के बावजूद ये संस्कृति जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इन रचनाओं का, एक तो ये कि आधुनिक इतिहास का ये इसमें जो राजनीति प्रशासन जीवन मूल्य और आस्था विश्वास इन रचनाओं में आते हैं उनको उनकी पुष्टि पुरालेखी साक्ष्यों से भी होती ये माना जाना चाहिए। एक और बात जो आधुनिक इतिहासकारों ने कही है वो भी निराधार है, वो है कि राजपूत और क्षत्रिय दो अलग जातीय समूह हैं। राजपूत विदेशी मूल की उत्पत्ति के हैं और बाद में आए, और उन्होंने धीरे धीरे भारतीय परंपरा के जो क्षत्रिय थे उनमें उनमें शामिल हो गए। ये आधुनिक इतिहासकारों की इस धारणा का भी कोई मूल्य नहीं। इन सभी रचनाओं में एक शब्द प्रयोग हुआ है, वो है खित्रीवट, क्षत्रियत्व। राजपूत शब्द का प्रयोग केवल दो जगह पर है सारी रचनाओं में, इसलिए ये माना जा ये इससे बाद में हम देखेंगे कि इसको पुरालेखी साक्ष्यों से भी प्रमाणित किया गया है कि ये राजपूत हमारी जो प्राचीन क्षत्रिय परंपरा है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उसी का मध्यकालीन विस्तार है, इनका विदेशी उत्पत्ति से कोई संबंध नहीं। विडंबना ये है कि माउंट आबू के एक यज्ञ से मिथकीय घटना से उनकी चार जात राजपूत जातियों की व्युत्पत्ति मानी जाती है अग्निवंशी वंशियों की। दरअसल वो मिथ पृथ्वीराज रासो के बहुत सारे संस्करणों में नहीं है, बाद में वंश भास्कर में भी उसका उसको विस्तार से प्रस्तुत किया गया। उसके संबंध में सीवी वैद्य जो एक बड़े इतिहासकार है उन्होंने कहा कि ये एक कवि की कल्पना में पैदा हुआ, राजपूतों को अच्छा लगा और प्रचलन में आ गया, अन्यथा इसमें कोई सत्यांश नहीं है। वे जातियां जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं, जिनको हम विदेशी मूल का मानते हैं, जिनसे राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, खासतौर पर शक और ऊण, वे हमारे शास्त्रों में क्षत्रियों में परिगणित की गई सभी के सभी। और इनका आगमन जहां से माना जाता है वहां पर पांचवी छठी शताब्दी में भारतीय सभ्यता के अवशेष हैं, ये गौरीशंकर ओझा और सी वी वैद्य ने बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित किया है। और जिस आधार पर लेफ्टिनेंट टोड ने इनको माना है कि भाई युद्धों के साथ युद्धों रथों से युद्ध करना, मांसाहार, इस तरह के जो चार पांच समानताएं हैं, तो वो भारतीय सभी क्षत्रिय जातियों में मिलती है, तुलना का कोई आधार नहीं है। एक और बात जो गुहिल वंश जो मेवाड़ में सदियों से निरंतर भारत का एक ही ऐसा राज्य है जहां निरंतर एक ही वंश शासनरत है, गुहिल वंश। गुहिल के संबंध में मैंने आपको बता दिया, लेकिन गुहिल की उत्पत्ति को लेकर भी विवाद। सबसे पहले तो अबुल फजल ने ये किया कि उसका संबंध, गुहिल वंश का संबंध ईरान के नौशेरवा आदिल से जोड़ दिया और ये धारणा चल निकली। बाद में ये धारणा लेफ्टिनेंट टॉड के यहाँ ही चल निकली, जबकि इसका कोई आधार नहीं है। ये गुहिल वंश सभी शिलालेखों में, बहुत विस्तार से मैंने सभी शिलालेखों का जिक्र किया अपने काम में, गुहिल वंश पांचवी शताब्दी से लेकर 16वीं-17वीं शताब्दी तक जो शिलालेख हैं सभी में उनको क्षत्रिय माना गया। एक और धारणा जो निराधार है वो ये कि ये आया कहाँ से मेवाड़ में। कुछ लोगों की धारणा है ये गुजरात की वल्लभी से आया, लेकिन ये धारणा भी निराधार है। ये वल्लभी से आने की धारणा जैन साहित्य के कारण बनी और एक शिलादित्य नाम के राजा थे, इस पर भी बहुत विस्तार से काम किया है। ये सब आगरा की तरफ से आए, निरंतर जो सिक्के शिलालेख मिलते हैं वो आगरा की तरफ से आगमन की पुष्टि करते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी सी दुविधा
इतिहासकारों में भी है और सारे अभिलेख देखने के बावजूद मेरे मन में भी। मध्यकाल में एक तो निरंतर बाह्य आक्रमण हो रहे थे और एक आंतरिक अंतर कलह भी बहुत बढ़ गया था। और बाह्य आक्रमणों में ये था कि एक प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ जिसको युद्ध संस्कृति कहते हैं। आप राजस्थान जाएंगे तो अधिकांश रचनाएं युद्ध केंद्रित होगी, युद्ध जरूर होगा उन्हें, उसका कारण है निरंतर बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण ने एक अलग प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया, शरणागति, इस तरह के मूल्य, यौन शुचि, ये सारे मूल्य ऐसे हैं जो क्षत्रियों के हमारे शास्त्रों, संहिताओं और स्मृतियों में बहुत पहले से हैं, लेकिन मध्यकाल में ऐतिहासिक जरूरत के तहत इन पर आग्रह अचानक बढ़ गया। यौन शुचिता पर भी जोर दिया जाने लगा, पराक्रम और शौर्य पर भी जोर दिया जाने लगा, बल्कि युद्ध करना और युद्ध को प्रोत्साहित करना, युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी पेशेवर जातियां अस्तित्व में आ गई। एक और बात जो इसी संस्कृति के संबंध में कहना चाहिए, वो सामंतवाद, जल्दी कर रहा हूं मैं। दरअसल ये इस पर बहस हुई, यूरोपीय फ्यूडलिज्म और भारतीय सामंतवाद और उसमें भी फिर राजस्थान का सामंतवाद, ये तीन अलग अलग चीजें। इसको आप ये रामशरण शर्मा, हरवंश मुखिया, ये बड़े इतिहासकार हैं और उन्होंने सामंतवाद पर बहुत विस्तार से विचार किया है। सबसे पहले इसकी चर्चा लेफ्टिनेंट टॉड ने की, 6 में से 4 समानताएं पाकर उन्होंने राजस्थान के समानतावाद, सामंतवाद को यूरोपीय फेडरलिज्म मान लिया, लेकिन ये धारणा गलत थी। बाद में रामशरण शर्मा ने चर्चा की, ये धारणा भी गलत थी। रामचरण शर्मा की खास बात ये कि वे भारतीय सामंतवाद की चर्चा करते हैं लेकिन उदाहरण राजस्थान के नहीं देते, वे या तो बंगाल के देते हैं या बिहार के देते हैं या मध्य देश के देते हैं, जबकि कुख्यात सामंतवाद के लिए राजस्थान है। असमानताएं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली तो ये कि जो रामशरण शर्मा ने कहा, सबसे पहले वो के ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से सामंतवाद की शुरुआत हुई, लेकिन राजस्थान में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से नहीं हुई। भूमि अनुदान सबसे पहले सजातीय सगोत्रीय सामंतों को दिया गया, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान बहुत कम दिया गया। दिया भी गया तो उस पर उनके मौरूसी हक नहीं थे, स्वामित्व नहीं था, एक बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कृषि दास्ता जैसी स्थिति राजस्थान में कभी नहीं आई जैसा माना जाता है। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये थी, बहुत सारी बातें जिनकी चर्चा मैंने अपने काम में की है, वो ये है कि किसानों को अपनी भूमि पर विधिक अधिकार नहीं थे, ये बिल्कुल निराधार तथ्य। एक छोटी सी शुल्क देकर किसानों को अपनी भूमि बेचने का, हस्तांतरित करने का भी अधिकार था। बहरहाल ये इस सारे शोध के, हाँ, रचनात्मकता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बहुत संक्षेप में। शास्त्र सिद्ध कवि नहीं, मैंने आरंभ में भी आपसे कहा कवि शिक्षा अनौपचारिक है। जैन साहब द्विवेदी कहते हैं कि तीन श्लोक तीन तरह के मनोभावों की सूचना देते हैं भारतीय साहित्य में। सबसे पहले जब श्लोक आया वो संस्कृत की छंद है, फिर जब गाहा आई प्राकृत का छंद है, और फिर जब मध्यकाल में दुहा आया वो मध्यकाल का छंद है। तो कथा, क्योंकि कथा रचनाएं हैं तो कथा रचनाएं मध्यकाल में दोहा और चौपाई में होती थी, तो सबसे अधिक उन्होंने दोहा चौपाई का इस्तेमाल किया। कुछ मध्यकाल में नए छंद आए उनका भी इस्तेमाल किया। रचनात्मकता, देखिए कथा में रचनात्मकता के लिए गुंजाइश केवल वस्तु वर्णन में निकलती है। रचनात्मकता आपको युद्ध वर्णन में दिखेगी, और रचनात्मकता का मतलब है रूढ़ि का निर्वाह करें आप, ऋतु वर्णन में निकलेगी। तो इनमें से कुछ रचनाएं युद्ध वर्णन तो इन सब रचनाओं में है, और युद्ध वर्णन की जितनी रूढ़ियां होती है, जितनी अतिरंजनाएं होती है, वे सभी कवि करते हैं।
और एक बात जो इन कवियों की, ये सभी बहुश्रुत हैं, कवि से अपेक्षा की जाती थी भौग्य हो या बहुश्रुत हो, तो ये सूक यथास्थान पर अपने पूर्ववर्ती कवियों की सूक्तियों का, कथनों का उद्धृत करते चलते हैं। ये इस पर भी बहुत विस्तार से विचार किया है, लेकिन क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं अब जिस अध्याय पर आपकी दिलचस्पी है उस पर आता हूं। इन रचनाओं को अक्सर मिथ कहा जाता है। आधुनिक इतिहासकारों ने, सभी बड़े इतिहासकारों ने, आप 1928 में सबसे पहले गौरी शंकर ईजा, हीराचंद ओझा जो हमारे क्षेत्रीय इतिहासकार हैं, क्षेत्रीय तो नहीं कहना चाहिए बड़े मनीषियों को, विडम्बना ये कि ये सारी पीढ़ी क्षेत्रीय के दर्जे में आ गई बाद में इनको महत्व नहीं दिया गया था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये वृत्तांत पद्मिनी वृत्तांत, उन्होंने कहा कि रत्नसेन ने चित्तौड़ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय वहां के राजा रत्नसेन था और उसकी रानी पद्मिनी थी। ये यहां तक उल्लेख भी करते हैं, बाकी कहते हैं कि ये सभी वृत्तांत जो है वो चारण भाटों का है और पद्मावत से लिया है। ये सबसे पहले 1928 में उन्होंने कहा। विवाद शुरू हुआ 1900, सबसे अधिक विवाद, इससे पहले भी कह चुके थे केस लाल, बहुत सारे लोग, लेकिन एक बड़े इतिहासकार थे कालिका रंजन कानूनगो, उन्होंने एक किताब लिखी राजपूत हिस्ट्री और उसमें पद्मिनी लीजेंड पर उन्होंने विस्तार से विचार किया और सभी पात्रों को, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को छोड़कर रत्नसेन, पद्मिनी, गोरा बादल, सभी को कल्पित सिद्ध कर दी। उस पर एक दशक तक लंबी बहस चली, वो बहस वापस पुनर्जीवित अभी 2017 में जब पद्मावत पर फिल्म बनी तब आई। इतिहास इसमें मिथ, अभिप्राय और कथा रूढ़ियों के साथ है। खास बात यह है इन सारे ऐतिहासिक कथा काव्यों में, कथा काव्य क्यों है इसकी भी थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे हम अभी। आधुनिक ये जो मिथ शब्द है वो इतिहास के विलोम शब्द के रूप में 18वीं सदी में प्रचलन में आया, इससे पहले नहीं था। इतिहास और मिथ एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, ये धारणा 18वीं शताब्दी में, जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान का और युक्ति और तर्क का आग्रह बढ़ा, आधुनिक इतिहास की अवधारणा सामने आई और प्रत्यक्ष आनुभविक और प्रामाणिक पर विश्वास किया जाने लगा, तब से ये अस्तित्व में आया और ये इसका प्रयोग भी चलन में आ गया। हमने मान लिया कि जो कल्पित है, मनगढ़ंत है, पारंपरिक है वो तो मिथ है और जो प्रत्यक्ष और आनुभविक है वो इतिहास है। ये अवधारणा दरअसल रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि सब खेतों में एक जैसी फसलें तो नहीं होती, हमारी फसल अलग थी लेकिन उनका आग्रह उनके जैसी फसलों का था, तो ये धीरे धीरे चलन में आ गया। मिथ शब्द हिंदी में चलन में तो आया, इसके समानार्थी दूसरे शब्द भी आए लेकिन वे चलन में नहीं आए, इसलिए मैं भी यहाँ मिथ शब्द ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिथ का समावेशी और पर्वात्य अर्थ सबसे पहले देखिए पश्चिम में भी वही है, ये जोसेफ टी शिपले हैं और बहुत अच्छा एनसाइक्लोपीडिया है उनका लिटरेचर पर, उन्होंने कहा मिथ अधिक यथार्थ का, यथार्थ के प्रातिप ज्ञान को शब्दों में बांधने का सदृशतम प्रयास। चारक जिनको भी अब हम याद नहीं करते, आनंद कुमार स्वामी, उनकी किताब हिंदुइज्म बुद्धिज्म, उसमें उन्होंने पहला जो चैप्टर है उसमें इस विषय पर विस्तार से विचार किया है और उन्होंने जहां मिथ लिखा है उसके आगे कोष्टक में इतिहास भी लिखा है। कल मैं शेल्डन पॉलक देख रहा था, उन्होंने भी जहां मिथ लिखा है कोष्टक में इतिहास लिखा।
अब ये मिथ जिसका सारा अनुभव पार्थिव प्रतिबिंबन है, ध्यान देने की बात ये अगर आप ये नहीं मतलब अनुभव तो पार्थिव है, आएगा कहां से, और कोई अनुभव कहां से आएगा आपके पास। लेकिन वो आप जैसे कहती विद्यापति कीर्ति लता लिख रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि वो कीर्ति लता इतिहास नहीं, वो कवि दृष्ट इतिहास है, कवि ने देखा है ऐसा इतिहास। और आधुनिक इतिहास की अवधारणा से उसका कोई मेल नहीं है, इसलिए वो इतिहास नहीं है। ये एक तरह का दुराग्रह। मिथ का अर्थ पारंपरिक कथा भी है कुछ अर्थों में, और इसका वर्गीकरण तीन हिस्सों में करते हैं हम। एक देवीय, जिसमें अतिमानवीय तत्व सब सर्वोपरि होता है, और दूसरा जिसे कहते हैं निजंदरी, ये शब्द हजारी प्रसाद द्विवेदी चलन में लाए सबसे पहले हिंदी में, और इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में लीजेंड। अब ये निजंदरी और लीजेंड एक दूसरे से कितने मिलते हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल काम है। और तीसरा होता है लोक कथा, तीनों कमोबेश इतिहास की श्रेणी में आती है, और इन इन तीनों का वाटर टाइट विभाजन, कंपार्टमेंट टाइट विभाजन बहुत मुश्किल काम, तीनों की एक दूसरे में आवाजाही होती रहती है। और ये मिथ की बहुत व्यापक परिभाषा है, आप इन रचनाओं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह इनका देखा जाना चाहिए। एक इसको समझने के लिए एक अच्छी बात जो आनंद कुमार स्वामी ने कही, हम अक्सर कथाएं कहते समय कहते हैं एक बार की बात है। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर जाएं तो आप यही कहते हैं एक बार की बात। मित्र सबसे पहले अपने समय और स्थान से मुक्त हो जाता है। रत्नसेन की कथा 14वीं शताब्दी में भी है, 19वीं शताब्दी में भी है, 18वीं शताब्दी में भी है, वो सब समय में प्रासंगिक। अनंत कुमार स्वामी ने ये कहा कि मित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सब समयों और सब स्थानों के लिए उपयोगी, प्रासंगिक और अर्थपूर्ण हो जाता है। मित की रचना में अभिप्रायों का बहुत महत्व है, जिसे अंग्रेजी में मोटिफ कहते हैं। कई बार मिथों की लंबी सूची बनाई जा सकती है, समय नहीं है। और आप यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ेंगे तो उन्होंने भारतीय इतिहास में जो कथा रूढ़ियाँ इस्तेमाल होती है काम आम तौर पर खूब सारी, और मैं भी एक छोटी सी सूची आपको देने की कोशिश करता हूँ यहाँ। देखिए बाद में ये सारी चीजें हमारे कवि शिक्षा ग्रंथों में भी आ गई कि आप कैसे इनका प्रयोग करेंगे कथा रूढ़ी का, और वो कवियश प्रार्थी लोगों के लिए जरूरी भी था। जैसे कवि कल्पलता है, वर्ण रत्नाकर है, उसमें इस तरह के नुस्खे बोल मिल जाएंगे, युद्ध के, ऋतु के, विवाह के, नगर के, दुर्ग के। अब यदि मान लीजिए ये उल्लेख है कि उसने 50 विवाह किए या 16 विवाह किए, तो ये कथा रूढ़ी है, हमारे कवि शिक्षा का हिस्सा है, ये ऐसा होता ही है। नगर वर्णन में मान लीजिए वो कोई अतिरंजना कर रहा है, तो ये हमारे यहाँ होता ही है। इसकी एक अच्छी सूची उन्होंने दी है, देखिए ये देखिए, राजस्थान के दो बड़े विद्वान हैं, विजयदान देथा और कोमल कोठारी, बहुत महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने, और उन्होंने भी इस तरह की भारतीय कथाओं में, लोक कथाओं में जो अभिप्राय और काम में आते हैं, उनकी एक लंबी सूची तैयार की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य के आदि काल में इस तरह की एक सूची प्रस्तुत की है। इनमें से कुछ ऐसे मोटिफ हैं, कुछ ऐसी कथा रूढ़ियां हैं जो इन विवेच्य कथा काव्यों में भी इस्तेमाल आएगी। अब आप यदि राजा ने रत्नसेन ने सिंगल द्वीप जाकर विवाह किया, इसका यदि आप युक्तिकरण रैशनलाइजेशन करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
कि कोई सिंगल द्वीप जाकर कैसा विवाह करेगा, लेकिन ये मुश्किल ही है कि किसी को पता नहीं है आधुनिक इतिहासकारों ने इससे पहले, इन रचनाओं से पहले और जायसी से पहले भी सिंगल द्वीप जाकर विवाह करने वाले कई लोग हैं भारतीय कथाओं में। हर बार पद्मिनी स्त्री से कमल की गंध आना, ये सारे ऐसे मोटिव्स हैं, ऐसे रूप हैं जिनको, जिनका प्रयोग हमारी कथाओं में और कवि शिक्षा में भी इसके प्रावधान थे। अब हम एक एक कर सभी चरित्रों की, जिसे आधुनिक अर्थ में ऐतिहासिकता कहते हैं, मैंने कोशिश की सबसे पहले कि ये विवेच्य कथा है रचनाएं क्या कहती है, और फिर जो उपलब्ध पुरालेखीय साक्ष्य हैं स्वतंत्र इनके समानांतर इनके बाद के, वे अलग से इस संबंध में क्या कहते हैं। विजय जी एक मिनट। पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण इन सभी विवेच्य कथा काव्यों का प्रतिपाद्य है। और ऐतिहासिक जरूरत के तहत, क्षेत्र विशेष की ऐतिहासिक जरूरत के तहत, समय विशेष की ऐतिहासिक जरूरत के तहत कुछ रचनाओं में गोरा बादल प्रकरण भी प्रमुख और सर्वोपरि, रचनाओं का नामकरण भी उसी आधार पर हुआ। सर वॉल्यूम कम आ रही है बहुत। सभी रचनाओं में आक्रमण का कारण पद्मिनी, ये महत्वपूर्ण तथ्य। और हमारी सभी देशज रचनाओं में भी जितने आख्यान मिलते हैं, ये एक विचित्र तरह का विरोधाभास है कि कोई इस्लामी स्रोत ये नहीं कहता है कि पद्मिनी के लिए आक्रमण किया, कोई आधुनिक इतिहासकार ये नहीं कहता कि पद्मिनी के लिए आक्रमण किया। हमारे सभी आख्यान, बाद में हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, ये सभी आख्यान छिताई चरित्र, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीरायण, सभी में प्रकरण यही है कि पद्मिनी के लिए आक्रमण किया। अलाउद्दीन के दूसरे अभियान चित्तौड़ी रणथंभौर पर किया गया अभियान, देवगिर पर किया अभियान, गुजरात पर किया अभियान में प्रयोजन स्त्री है। बहुत आश्चर्यजनक है ऐसा क्यों, लेकिन विडंबना यह है कि हम अपने स्रोतों पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास इस्लामी स्रोतों पर करते हैं कि उनके यहां उल्लेख इस प्रकरण का नहीं। इन सभी में एक बार आधुनिक इतिहास में, लेकिन देखिए जो 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 वर्ण तीनों समकालीन वृत्तांतकार इतनी बात तो कहते हैं कि 1303 में अलाउद्दीन ने, इस्लामी वृत्तांतकार ये तो कहते हैं कि 1303 में उन्होंने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जीत हुई और दुर्ग 10 साल तक उसके बेटे खिजर खां के अधीन रहा। कुछ भारतीय स्रोत भी कहते हैं ऐसी बात। रत्नसेन को बंदी बनाया गया और 30,000, ये संख्या सभी जगह है इस्लामी स्रोतों में, 30,000 हिंदू कत्ल किए गए, महत्वपूर्ण तथ्य है सभी इस्लामी स्रोतों में, ये महत्वपूर्ण तथ्य पद्मिनी नहीं है लेकिन 30,000 हिंदू कत्ल किए गए, ये महत्वपूर्ण तथ्य है अधिकांश में, अमीर खुसरो भी कहता है। लेकिन ये विजय स्थायी नहीं रही, उस समय बाद जब बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगे तो किला मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया, ये भी सिसोदिया गुहिल वंश में संबंधित थे, और बाद में 1336 में ही, बहुत समय नहीं है यदि आप यूं सोचें, 1336 में हम्मीर ने फिर उस पर वापस अधिकार कर लिया। प्रकरण हुआ, इसकी पुष्टि एक समकालीन भारतीय स्रोत से भी होती है, वो है कक्कसूरी। कक्कसूरी भी जैन यति थे और पाटन में, पाटन के जो नगर सेठ थे समरसा, उनके गुरु थे,
अलाउद्दीन के भाई ने उलग खान ने आक्रमण किया था पाटन पर और पाटन को समूल नष्ट किया था, कर दिया था। जरूर ही उलग खान समरसा के संपर्क में आया होगा और ककसूरी समरसा के गुरु थे। उन्होंने 1336 में राजस्थान की एक जगह कांजरोटपुर वहां बैठकर नाभिनंदनो जिनोद्धार प्रबंध लिखा और उसमें जो उल्लेख है वो इस प्रकरण की पुष्टि करता है, लेकिन पद्मिनी का उल्लेख इस प्रकरण में भी नहीं। उल्लेख ये है, संस्कृत में है, अलाउद्दीन ने चित्रकूट के राजा को कैद करके उसका धन ले लिया था और गले में बंधे बंदर के समान उस राजा को गांव गांव घुमाया, ये उल्लेख है। ये तो सिद्ध है कि ये प्रकरण हुआ, जैसा बहुत सारे आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा कोई प्रकरण ही नहीं हुआ, ये जायसी की कल्पना है। तो ये तो निराधार है कि प्रकरण नहीं हुआ, ये गलत। परवर्ती अधिकांश स्रोतों में आगे आईने अकबरी में है। आईने अकबरी में है और ये आईने अकबरी लगभग 200 साल बाद लिखी गई प्रकरण की घटना के। तो सबसे उन्होंने कहा राजा रतन सेन की, रतन सी की बहुत खूबसूरत स्त्री जिसकी अलाउद्दीन ने मांग की थी, यही बात फरिश्ता ने भी कही है तारीख़े फरिश्ता में, उसने अलौकिक सौंदर्य और गुणों वाली स्त्री को राजा रतन सेन की बेटी लिखा है, लेकिन ये भ्रामक है ये उल्लेख इस अर्थ में। उसने बेटी लिखा है, अबुल फजल उसको पत्नी कहता है, लेकिन ये कि परवर्ती इस्लामी स्रोतों में रत्नसेन भी आ गया, पद्मिनी भी आ गई, समकालीन स्रोतों में रत्नसेन का नाम भी नहीं है, केवल राय ये लिखा गया है, लेकिन पर्वतीय स्रोतों में रत्नसेन भी है और पद्मिनी का उल्लेख भी है और गोरा बादल का उल्लेख भी है, बल्कि थोड़ा गोरा बादल की चर्चा करेंगे तब इस पर विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। परवर्ती देश स्रोतों में भी ये उल्लेख मिलता है, जैसे मूता निर्णसीरी ख्यात 1610 और 1670 के बीच में लिखी गई, और आप लोगों को पता हो तो हम लोग विदेशियों की तो बहुत चर्चा करते हैं, अपने समय का सबसे बड़ा स्टैटिशियन है ये, गजेटियर लिखे उसने मारवाड़ राव परगनारी विगत, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, सुमित जी जानते हैं उसको, और हमारे अंग्रेजों के गजेटियर को भी मात करे इस तरह का गजेटियर है, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उनकी दो रचनाएं मारवाड़ राव परगनारी विगत भी है और ये नैनसीरी ख्यात भी है, बहुत विख्यात ख्यात है। थोड़े इस ख्यात की एक विशेषता है, हम अपने इतिहास ग्रंथों को पर विश्वास नहीं करते, ये यदि तीन स्रोत हैं किसी चीज के तो तीनों स्रोतों का उल्लेख करता है नैनसी, और नैनसी यदि अंतर विरोध है तो उसका भी उल्लेख करता है, और ये बिल्कुल गैर धार्मिक रचना, उसने भी उल्लेख किया है राजा रत्न जायसी ने भी कि पद्मिनी रे मामले लखमसी नु अन्य अदालदीन सु लड़ काम आया। देखिए फिर एक और जौहर का उल्लेख भी है इस रचना में, जो बाद की रचना है, बाद में हम जौहर की भी थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। 13वें दिन जौहर कर राणा लखमसी रतनसी काम आया, एक और रचना है जिसके रचनाकाल और रचनाकार के संबंध में ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें उल्लिखित शासक के आधार पर हम कहते हैं कि ये भी उसी तरह कमोबेश उल्लेख करती रचना के पद्मिनी के लिए युद्ध हुआ, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और किला बाद में खिजरगांव को दिया, फिर सोनीगरा मालदेव को दिया और 35 वर्ष तक मालदेव का शासन गढ़ चित्तौड़ पर रहा।
इसलिए परवर्ती स्रोतों की, इस्लामी स्रोतों पर निर्भर, परवर्ती देशज स्रोतों की और परवर्ती इस्लामी स्रोतों की पद्मावत पर निर्भरता की धारणा निराधार। इनके मोड़ पड़ाव, इनके चरित्र सर्वथा अलग है। आधुनिक इतिहासकारों ने विडंबना ये है कि उन्होंने ये विवेचक काव्य भी नहीं पढ़े, कभी देखे भी नहीं, और उन्होंने पद्मावत को भी नहीं पढ़ा अच्छी तरह से। रत्नसेन पर सबसे, रत्नसेन के ऐतिहासिक अस्तित्व पर सबसे पहले संदेह कालिकारंजन कानूनगो ने किया। आधार ये था, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि कभी कभी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भरता आपको गलत दिशा में ले जाती है। जिन्होंने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है या क्षेत्रीय इतिहास पढ़ा है, 1303 में रत्न सिंह की मृत्यु हो गई। रत्नसेन गुहिल वंश की रावल शाखा से संबंधित था। रावल कहते हैं इनको, उपाधि रावल थी, और निसंतान मरा और किले पर, जैसा मैंने कहा कि खिजर खां का और फिर मालदेव का अधिकार हो गया। 1336 में गुहिल शाखा की ही एक जागीर, जिसको शिशोदा कहते हैं, वहां के शासक हमीर ने आक्रमण किया और किले पर वापस आधिपत्य कायम कर लिया, और उसने उपाधि धारण की राणा। इसलिए दो शाखाएं हो गई, जो चली आ रही शाखा थी वो रावल शाखा थी, और जो हमीर के बाद शुरू हुई उसको राणा कहते हैं। आज भी जो है वो राणा है। कुछ हमारे हिंदी विद्वानों ने मीरा की कविता में राणा उल्लेख को उसके पति से संबंधित मान लिया, जबकि राणा वो है जो सत्तारूढ़ होता है, पार्ट भी होता है। मीरा के पति कभी सत्तारूढ़ नहीं हुए, उसके पिता भी कभी सत्तारूढ़ नहीं हुए। तो जो वंशावली अभिलेख, खासतौर पर कुंभा बहुत एंटरप्रेन्योर शासक थे, बहुत प्रसिद्ध शासक थे। कुंभा के समय शांति हुई और कुंभा ने कई दुर्ग बनवाए, कई शिलालेख बनवाए, तो वंशावली अभिलेख भी कुंभा के समय तैयार हुए। अब ये हुआ कि जब कुंभा ने अपना वंशावली अभिलेख तैयार करवाया तो उसने हमीर के पूर्वजों का भी अपनी वंशावली में उल्लेख कर दिया, जो कभी सत्तारूढ़ नहीं हुए। तो जो कुछ उल्लेख ऐसे हैं जिनमें रत्न सिंह का नाम नहीं आता। आरंभिक इतिहासकारों के लिए मुस्कालिका रंजन कानून ने खट से कह दिया कि भाई रत्न सिंह का तो उल्लेख ही नहीं है किसी वंशावली अभिलेख में। कुछ वंशावली अभिलेखों में था, खासतौर पर दो तीन अभिलेख ऐसे थे। एक तो जगदीश मंदिर कभी जाया, मैंने बहुत विस्तार से एपिग्राफिक स्टडीज की है इसकी। जगदीश मंदिर के 1651 के शिलालेख में उसका नाम नहीं है रत्न सिंह का। एकलिंग जी के शिलालेख में भी नाम नहीं है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, राज प्रशस्ति महाकाव्य। कभी आप उदयपुर जाएं और कांकरोली जाएं तो ये विश्व का एकमात्र महाकाव्य है जो 24 शिलाओं पर खुदा हुआ है संस्कृत में। रणछोड़ भट्ट ने इसे लिखा। राज प्रशस्ति महाकाव्य में भी रत्न सिंह का उल्लेख नहीं। लेकिन कुछ रत्न सिंह का नाम उल्लेख तो है, लेकिन वो लक्ष्मण सिंह के छोटे भाई के रूप में। इस्लामी वृत्तांतकारों ने भी उसका नाम उल्लेख नहीं किया, और इस्लामी वृत्तांतकारों के यहाँ है कि वो कभी नाम लिखते हैं, कोई एक रूप परंपरा उनके यहाँ नहीं मिलती। उसको मान लिया गया कि इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन बाद में मैंने कहा कि आप कभी कभी जैसे ये मौन होता है, अनुल्लेख को आधार बनाकर आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं, वेदों में रेत नहीं है तो इसका मतलब रेत नहीं है क्या? मान लीजिए उसमें उल्लेख नहीं है, इसका मतलब उल्लेख नहीं है, है हुआ ही नहीं, ये धारणा ही निराधार थी। लेकिन यही धारणा मानी गई। लेकिन बाद में एक शिलालेख मिल गया। आप यदि उदयपुर जाएं तो दरीबा एक जगह है, दरीबा के मंदिर में एक शिलालेख जहां स्पष्ट उल्लेख था, 1303 का शिलालेख है, और
अलाउद्दीन ने आक्रमण किया उसके ठीक 3 दिन पहले उत्कीर्ण हुआ, उसमें उल्लेख यह था कि इस समय राजा रत्न सिंह समर सिंह के उत्तराधिकारी राजा रत्न सिंह सत्तारूढ़ हैं और शासन कर रहे हैं। देखिए आधुनिक इतिहासकारों को संदेह होगा, इस्लामी वृत्तांतकारों को संदेह होगा, इन विवेच्य रचनाओं में रत्न सिंह के 1303 में चित्तौड़ में सत्तारूढ़ होने को लेकर कोई संदेह नहीं। बाद में कुंभलगढ़ के शिलालेख में भी उसका उल्लेख मिल गया विस्तार से, उसमें भी था कि वो समर सिंह का श्लोक संख्या 176 में उसका उल्लेख था बहुत विस्तार से। पद्मिनी इन सब की, इन सभी कथा काव्यों की जिनका जो विवेच्य हैं इस शोध कार्य के, उनमें निर्विवाद नायिका सिंगल द्वीप की रहने वाली है और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की विवाहिता है, सभी में ये प्रकरण उल्लेख आता है। और 4 कोटि की जो स्त्रियां हैं शास्त्र में, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्त्री पद्मिनी है, शंखिनी चित्रणी अस्तिनी, उसमें से एक सब एक पाठनामा में उस वो है तो पद्मिनी, लेकिन उसका नाम मदन कुंवर और उसके पिता का नाम समर सिंह पंवार है, बाकी किसी भी रचना में उसके नाम कर नाम नाम का उल्लेख नहीं है। पद्मिनी कोटि की स्त्री है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार पद्मिनी का अस्तित्व संदिग्ध, अमीर खुसरो अब्दुल मलिक इसामी जियाउद्दीन बरनी इसका उल्लेख नहीं करता, लेकिन अमीर खुसरो के उल्लेख में थोड़ी सी उसकी चर्चा होती है जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि सांकेतिक उल्लेख अमीर खुसरो करता है। समय चाय भी काफी होगी, इतिहासकार लोग बैठे हुए हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको खत्म करता हूं। अमीर खुसरो ये कहता है, अमीर खुसरो के इस वृत्तांत में छोटा सा वृत्तांत उसका इस प्रकरण में है और ये था हुदहुद। डेविड के बेटे सुलेमान ने अभियान किया था और उसमें पशु पक्षी सैनिक सब गए थे और उसमें हुदहुद भी, एक जगह उसने प्रवास किया और उसने हुदहुद को याद किया, हुदहुद नहीं आया तो उसने कहा कि मैं उसको दंड दूंगा, तो हुदहुद तुरंत उपस्थित हुआ और उसने कहा कि मैं सैबा की रानी बिल्किस के समाचार लेने गया था जो सूर्य पूजा करती। सुलेमान ने कहा कि उसके पास पत्र लेकर जाओ और उसको समर्पित करने के लिए कहो सैबा की रानी बिल्किस को। जब किले में घुसा तो ये उल्लेख करता है कि हुदहुद, वो चिल्ला रहे थे कि हुदहुद कहाँ है, वो ये मान रहे थे कि पद्मिनी का संदेश वाहक वो है अमीर खुसरो। ये आकर ये इसकी पुष्टि बहुत सारे इतिहासकार करते हैं, आधुनिक इतिहासकारों में से कुछ नहीं करते, लेकिन अधिकांश इतिहासकार खासतौर पर इसका अनुवाद जो खजाइनुल फतू का बहुत अच्छा अनुवाद जो उन्होंने किया है मोहम्मद हबीब ने, वे कहते हैं कि ये हुदहुद जो है उल्लेख पद्मिनी के अलावा और किसी के संबंध में हो ही नहीं सकता। एक और सुबीर बंगाली इतिहासकार हैं वो भी कहते हैं, और राजस्थान के बड़े पुरातत्वविद मुनि जिन विजय भी इसकी पुष्टि करते हैं। ये उल्लेख पद्मिनी का उल्लेख इन सभी वृत्तांतों में है। आगे मुदा नैनसिरी ख्याद में है, रावण रावल रणारी बात में है, राजप्रशक्ति महाकाव्य में और अमर महाकाव्य में भी। अलाउद्दीन खिलजी का ऐतिहासिक अस्तित्व संदिग्ध असंदिग्ध सभी जगह है, उसको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। और रोचक तथ्य है कि हमारे साहित्य में मुगल साम्राज्य और सल्तनत साम्राज्य दोनों में कोई शासक ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी की तरह हमारे संस्कृत हमारे लोक काव्य में हुआ। ये सभी विवेच्य काव्य उस पर आधारित हैं और उससे संबंधित लोक काव्य लोक कथाएं भी है। सैनी चावणी रिवात जिन प्रभ सूरी
जो उसके समकालीन थे उनका बहुत प्रसिद्ध वृत्तांत है, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी है। ये बहुत अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तित्व और चरित्र में ही कुछ ऐसा है कि वो सभी जगह उल्लेखनीय, और एक इन सभी रचनाओं में बहुत शक्तिशाली है। इन सभी रचनाओं में ये उल्लेख है, उसकी सेनाओं के, उसके सैन्य बल का अतिरंजित विवरण दिया गया है कि बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली। बल्कि घोरा और बादल, जब उसकी घोरा की पत्नी, बादल की पत्नी जब उसको युद्ध विमुख करने जाती, तब उसको कहती कि तू कहाँ है और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है, उसके पास कितना लश्कर है। इतिहासकार मानते, आधुनिक इतिहासकार, तो कि उन्होंने राजनीतिक प्रयोजन के लिए युद्ध किया, लेकिन उसके स्त्री लोलुप और कामांध होने के प्रमाण इन सभी रचनाओं में, ये सभी रचनाएं मानती हैं कि वो स्त्री लोलुप और कामांध था। इसका वर्णन बार बार इन रचनाओं में बहुत विस्तार से आया। पद्मिनी को देखकर वो शुद्ध बुद्ध भूल जाता, बेहोश हो जाता कई बार देख के, अद्भुत ढंग से। उसकी किसी तरह इच्छा है कि बस कब पद्मिनी मिले, ये उल्लेख इन सभी रचनाओं में, और इसकी पुष्टि हमारे दूसरे देशज स्रोत भी विस्तार से करते। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने कहा कि बड़ा अच्छा सुल्तान था जियाउद्दीन बरनी, जिसकी चर्चा अभी हम सुबह कर रहे थे, उनका बहुत क्रूर और नृशंस शासक था। अपने चाचा की हत्या करके सत्तारूढ़ हुआ था जलालुद्दीन की। और सबसे बड़ी बात एक बात और है, जिन्होंने इसको सत्तारूढ़ करने में सहायता की, जिन उन सबको इसने बाद में खत्म करवा दिया। बहुत क्रूर और नृशंस किस्म का शासक। एक बात और है जो इस्लामी स्रोतों में भी आती है, खासतौर जो अरेबिक हिस्ट्री, एन अरेबिक हिस्ट्री ऑफ गुजरात, बहुत प्रसिद्ध वृत्तांत है आजी उद्दीर का, उसमें वो नहीं, क्षमा कीजिए, जियाउद्दीन बरनी ये उल्लेख करता है कि एक तो वो बहुत पीता था शराब, और उसके अंतःपुर पर व्यय बहुत था। कुछ देखिए, हमेशा आप पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर भी कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। देखिये, देशज जितने आख्यान है, अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उन सब में स्त्री पाने की लालसा प्रमुख है। मैंने पहले भी आपसे कहा ये, लेकिन इस्लामी वृत्तांतकार इस संबंध में मौन है। पुरालेखिक साक्ष्यों में भी ये आता, हाजी उद्दबीर ने कहा कि वो उसकी पत्नी उससे बहुत खिन्न रहती थी उसके दूसरे संबंधों के कारण, ये हाजी उद्दबीर के वृत्तांत में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। छिताई चरित्र में इसकी रचना जायसी से पहले हो गई है, ध्यान रखिए। छिताई चरित्र में बहुत, और छिताई चरित्र पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी पर ही बहुत केंद्रित, बहुत रोचक वृत्तांत है ये। और इसमें वो साफ कहता है, बहुत, वह न बेटी देता है न स्थान छोड़ता है, मैं देवल के लिए रणथंभौर गया किंतु मेरा एक काम भी सिद्ध नहीं हुआ। दिल्ली के स्वामी ने कहा, मैंने चित्तौड़ में पद्मिनी के संबंध में सुना, मैंने जाकर रत्नसेन को बांध लिया किंतु बादल उसे छुड़ा ले गया, जो अब की बार मैंने छिताई ना लिया तो ये सिर में देवगिरी को अर्पित करूं। नयचंद सूरी, ये भी जैन यति थे, उनका भी एक वृत्तांत है, और इस वृत्तांत पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना सिलसिलेवार, इतना विस्तार से ये वृत्तांत दिया है कि उन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। हमीर, हे हमीर, उसके दूध से कहलवाता है वो, हे हमीर, यदि राज्य भोगने की तुम्हारी इच्छा है तो 100,000 स्वर्ण मुद्रा, 4 मदमत हाथी, 300 घोड़े और भेड़े तथा अपनी पुत्री को हमें देकर हमारे आदेश को सिर आंखों पर लगे, देवल देवी के लिए कह रहा है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कहा कि आप उस पर अविश्वास करते हैं तो हिंदू इतिहासकारों पर अविश्वास करते हैं। भांडा व्यास की एक रचना है 1481 की, खलजी ने अमीर के दूत को भेजकर कहलवाया कि वे राजकुमारी देवल दे दारू वारू दो वेश्याओं के नाम है और अनेक गढ़ों और हाथियों को बादशाह को नजर कर। गोरा बादल, इन पर भी आधुनिक इतिहासकारों को इस तरह के चरित्र पर संदेह है कि कोई हुआ,
लेकिन इन सभी विवेच्य कथा काव्यों में एक को छोड़कर, खासतौर पर इनके एक रचना को छोड़कर सभी में गोरा बादल निर्णायक चरित्र के रूप में युक्ति पूर्वक रत्न से इनको कब्जे से मुक्त करवाते हैं। राणा रासों में नहीं, क्षमा कीजिए, ये दलपति जी। कुछ रचनाओं के नामकरण में भी गोरा बादल की निर्णायक भूमिका है। विवेच्य रचनाओं के अनुसार ये दोनों काका भतीजे थे, चौहान थे और बादल अल्पवय था, अभी खेलने की उम्र थी उसकी। इन सभी रचनाओं में ये उल्लेख आता है। ये दोनों असाधारण योद्धा हैं और दोनों ग्रास से वंचित शासक, जागीरदार। ग्रास कहते हैं जागीर, जागीर शब्द तो मुगल काल में प्रचलित आया, इससे पहले गांव आदि को देने को ग्रास कहते थे। और ये ग्रास से वंचित थे और किले में रुके हुए थे, राजा की चाकरी पर नहीं जा रहे थे। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन ने आक्रमण कर लिया तो उनको लगा कि ये तो हमारे क्षत्रियत्व पर कलंक लगेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। पाटनामाकार ये मानता है कि ये दोनों समर सिंह के सामर्थ्य सिंगल द्वीप के, और पद्मिनी के राखी बंध भाई थे, और पद्मिनी के अनुरोध पर दोनों ही चित्तौड़ आए और उस चित्तौड़ में उनको जागीर दी गई। इस्लामी वृत्तांतों में गोरा, समकालीन इस्लामी वृत्तांतों में गोरा बादल का उल्लेख नहीं आता, लेकिन परवर्ती रचनाओं में उल्लेख आता है। खासतौर पर अबुल फजल के यहाँ ये उल्लेख है, टॉड के यहाँ है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये है कि आप चित्तौड़ जाए तो पद्मिनी महल के दक्षिण पूर्व में दो गुंबदाकार इमारतें हैं जिनको आज भी गोरा बादल का महल कहा जाता है। और खास बात है कि जहां उनकी मृत्यु हुई मालीखेड़ा में, वहां पर उनके प्रस्तर स्तंभ अब भी लगे हुए हैं। ये ऐसा हो सकता है कि ऐतिहासिक व्यक्तियों के भी स्मृति स्थल बनते हों, लेकिन ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति थे और दोनों के स्मृति स्थल मौजूद है। राघव चेतन ये बहुत विवादास्पद और विचित्र प्रकार का चरित्र है, और इसके अस्तित्व पर भी आधुनिक इतिहासकारों को संदेह है, लेकिन सारे पुरालेख ही साक्ष्य कहते हैं। इन रचनाओं में ये निर्णायक चरित्र, राजा से इसकी नाराजगी अलग अलग कारणों से होती, पाठनामा में और विचित्र प्रकार से है। और तीन रचनाएं ऐसी है जिनमें ये राघव और चेतन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और चार रचनाएं ऐसी है जिनमें ये एक ही व्यक्ति, राघव और चेतन। पाठनामा में ये दोनों भाई अलग अलग हैं और वही बंचा भाट है। ये इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन सारे साहित्यिक साक्ष्य और पुरालेखी साक्ष्य कहते हैं कि विद्वान किंतु कुटिल ब्राह्मण के रूप में उसकी ख्याति मध्यकाल में कई ग्रंथों में मिलती, तांत्रिक था किसी तरह। वृद्धाचार्य प्रबंधावली एक रचना है मोहम्मद तुगलक के समय की, और जिनप्रभ सूरी और मोहम्मद तुगलक के बीच की भेंट बहुत ऐतिहासिक घटना है। और जिनप्रभ सूरी का जो प्रबंध है उसमें राघव चेतन का उल्लेख आता है। बस मैं खत्म कर रहा हूं। कांगड़ा की ज्वालामुखी प्रशस्ति में भी उसका उल्लेख है, राघव चेतन का, इसी रूप में। और शारंगधर जो अमीर महाकाव्य के रचनाकार माने जाते हैं उसमें भी उनका उल्लेख है। और 13वीं सदी की अंतिम चरण में राघव चेतन के कई छंद उसमें संकलित किए गए हैं। अगर चांद नाटा के अनुसार एक और रचना है जिसमें मैं सब कुछ वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि निष्कर्षों पर भी जाने का समय नहीं है, केवल एक तीन चार रोचक तथ्य हैं इस सारे प्रकरण के संबंध में, मैं उन पर आके आगे बढ़ता हूं। युद्ध के परिणाम और जोहर पर, इन रचनाओं में जोहर नहीं आता, लेकिन जोहर हमारी लोक स्मृति में है और दो साकों की स्मृति है। और
इस्लामी वृत्तांतकार इस पर मौन क्यों है, इस पर भी विचार किया है विस्तार से। कुछ रोचक तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको समाप्त समझ दिए आप मेरे लिए। इन रचनाओं में एक रोचक तथ्य है, वो भी एक कथा रूढ़ी है। इनमें रत्नसेन का पद्मिनी के लिए पद्मिनी से विवाह का निर्णय और प्रस्थान निर्णय का ये संकल्प लेना रानी से नाराजगी। एक दिन रानी भोजन लेकर बैठी है और पद्मिनी को राजा को भोजन स्वादहीन लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ आजकल तुम्हारे भोजन में कोई स्वाद नहीं है। और कोई पुरुष यदि किसी स्त्री को ये कहे कि तुम्हारे भोजन, खासतौर पत्नी को ये कह दे कि तुम्हारे भोजन में स्वाद नहीं है, तो ग्रह कलह। तो ये ग्रह कलह इस कारण है कि अगर तुमको अच्छा भोजन करना है तो कोई पद्मिनी ले आओ। और राजा, देखिए राजस्थान में बहुत सारी लड़ाई इसकी और इसकी है। तो राजा इसके लिए प्रस्थान करता है। कमोबेश सभी रचनाओं में ये वृत्तांत है। ये बात मैंने कह दी है कि धार्मिक है। एक और बात, लब्धोदय जो जैन यति है, उन्होंने बहुत कहा कि देखिए सभी रचनाओं में रत्नसेन अलाउद्दीन की पराजय हुई। अलाउद्दीन लौट कर वहां गया दिल्ली, तो बीबी ने कहा कि वो पद्मिनी दिखाओ। तो उसने जो कहा है, पद्मिनी का मुंह काला किया, हम खैर करिए खुदा है। कि पद्मिनी का मुंह काला करो, खुदा ने हमारी खैर की, हम बचा लिया। पाठनामा ऐसी रचना जिसमें अंत बहुत विचित्र, बहुत रोचक और वृत्त। रत्नसेन जीत गए और विजय गोरा बादल के पराक्रम के कारण संभव हुई। दोनों घायल अवस्था में किले में पहुंचे और पद्मिनी के महल गए, उनकी बहन थी तो बहुत घायल थे। पद्मिनी के से उन्होंने कहा कि अब हम अपने घर जाते हैं, तो दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किया। तो रत्नसेन ने सोचा कि ये तो अब मेरा तो राज्य हो ही गया, अलाउद्दीन चला गया, और ये दोनों आजीवन मुझे कहते रहेंगे कि ये चित्तौड़ तो हमारे पांव से है, हमारे कारण है। तो उसने उन दोनों का वध कर दिया। वध करके वो आकुल व्याकुल अवस्था में वहां पहुंचा पद्मिनी के पास, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे भाइयों का वध कर दिया। तो वो भी वहां जो सुकलिया तालाब है उसमें कूद कर उसने भी आत्महत्या कर ली। पाठनामा का जो अंत है, सभी रचनाएं कहती है कि रत्नसेन की विजय हुई। सभी जातियां अपनी पराजय को विजय में तब्दील करती है, जातीय स्वाभिमान को खाद पानी देती है, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन पाठनामा में एक बात है, पाठनामा में दोनों की पराजय हुई। लिखा गया है पचे पातशाही फौज भागी, मतलब फिर बादशाह की फौज भागी, अर अठीन गढ़ चित्तौड़ भागो, और इधर चित्तौड़गढ़ का ध्वंस हुआ। एक और लब्धोदय की जो एक रोचक वृत्तांत है, लब्धोदय ने भोजन का, कभी कभी हमारी भारतीय रचनाओं में लोकोत्तर कहा जाता है, लोक वाला पक्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन परोसे गए भोजन का, खासतौर पर क्षेत्रीय भोजन, ये सार्वदेशिक भोजन नहीं है, जो 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 वहां होता है उस क्षेत्र में होता है, इतना सरस और रोचक वर्णन किया है कि आप आश्चर्यचकित रह जाए। अभी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, निष्कर्ष सारे बाकी हैं, और लेकिन क्योंकि समय हो गया है और मैं आप सभी का हृदय से ऋणी हूँ, सम्माननीय निदेशक जी और उपाध्यक्ष आज यहाँ आए, मेरे मन में ये था कि कहीं ये ना हो कि हिंदी का आदमी ऐसा वैसा ही होता है, तो मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, और जो मित्र जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत मित्रों, अभी सबने अपने बहुत श्रेष्ठ आदरणीय माधव सिंह जी
कि जो शोध कार्य से संबंधित विचार थे उसमें मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सी चर्चाएं होनी है। दो तीन बातें जो इनके इस व्याख्यान से उभर कर सामने आती हुआ है, अकेले इतिहास का प्रयोग ही नहीं हुआ है। और इतिहास पुराण का क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि हमारे लिए इतिहास केवल तिथियों का, राजाओं का वर्णन मात्र नहीं है। तो हमारे जो सत्य की खोज है वो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य रहा है सारे ग्रंथों का। और हमारे पास धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं, जो भी है ज्ञान ग्रंथ है। क्योंकि वो ज्ञान ग्रंथ है, सत्य की खोज उनका लक्ष्य है, इसलिए उनमें सत्य तीन तरह के लोग खोजते हैं। एक दार्शनिक है जो सत्य की खोज करते हैं, वो सत्य को ज्ञेय बनाते हैं, सत्य को जानने योग्य बनाते हैं, क्योंकि वो सत्य के बहुत ही सूक्ष्म पक्षों पर चिंतन करते हैं। जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर, और इसी तरह संसार के अन्य चीजों पर भी जो जब वो विश्लेषण करते हैं बहुत गहन होता है। तो इसलिए वो ज्ञेय तो बनाते हैं, लेकिन वो हर आदमी या हर व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं हो पाता। दार्शनिक जो भी लिखता है वो सत्य लिखता है, सत्य की खोज भी करता है। दर्शन का अर्थ ही सत्य की खोज है, लेकिन हर व्यक्ति या साधारण व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाता। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें हम धर्मात्मा कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, ऋषि मुनि कह सकते हैं। वे लोग धर्म का सहारा लेकर या धार्मिक कथाओं के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं, वो सत्य का श्रेय रूप लेते हैं, श्रेय जो कल्याणकारी है, जो शुभ है। यानी कि सत्य के उन पक्षों को वो कहानियों में, कथाओं में, पुराणों में आपके सामने लाते हैं जिनसे आपके जीवन का उत्थान हो सके, कल्याण हो सके। तो ये जो इतिहास है हमारे वो इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन इतिहासों में मूल बात यह है कि इनसे प्रेरणा क्या मिलती है, सत्य क्या है और उसका हमारे जीवन को के उत्थान में क्या महत्व है, इसको लेकर वो चलते हैं। इसलिए हमारे इतिहास पुराण को एक साथ लिया गया। और तीसरे साहित्यकार हैं। साहित्यकार भी सत्य की खोज करता है और उसका सत्य जो है पश्चिम के तथ्यात्मक सत्य से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वो आंतरिक सत्य है, अनुभूत सत्य है, वो सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है, क्योंकि हमारी अंत प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ सत्य है जो शाश्वत है। प्रेम कहा नहीं होगा, घृणा कहा नहीं होगी, वात्सल्य कहा नहीं होगा। जो इन सत्यों को लेकर चल रहा है वो शाश्वत भी है और सार्वकालिक सार्वभौमिक भी है। तो इसलिए वो सत्य को प्रेय बनाते हैं, दार्शनिक ज्ञेय बनाता है, धर्मात्मा श्रेय रूप देता है और साहित्यकार जो है उसे प्रेय बनाता है, इस रूप में प्रस्तुत करता है कि अपने आप हमारे हृदय में वो उतर जाता है। तो आपने जो बात की इतिहास की, तो हमारा इतिहास या तो हमारे साहित्य में है या हमारे पुराणों में है, और हमारे जो दर्शन ग्रंथ है उनमें इतिहास नहीं है, वो शुद्ध ज्ञान की खोज करते हैं। तो एक बात तो ये आपके कथन से सामने आई, और हमें अपने दृष्टि का विकास करना चाहिए। पश्चिम के इतिहास दृष्टि को अगर लेंगे, ईएच कर ये किताब आपने भी पढ़ी होगी, व्हाट इज हिस्ट्री। और व्हाट इज हिस्ट्री में क्या कहता है कि समय के समुद्र में इतिहासकार अपना जाल फेंकता है और उसमें से तथ्य की फैक्ट्स की मछलियां पकड़ता है और उन मछलियों को वो टोकरी में सजाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। अर्थात इतिहास तथ्यों को खोजने की प्रक्रिया है, लेकिन सच्चाई क्या है?
इतिहासकार के पास ये स्वतंत्रता है कि वो जाल समुद्र के किस कोने में डाले, उसके पास ये भी स्वतंत्रता है कि जो मछलियां पकड़ी गई हैं उनमें से कितनी को छोड़ दे और कितनियों को टोकरी में सजाकर आपके सामने रखे। और तथ्य नजीब है, उसके पास ये भी स्वतंत्रता है कि उनकी इंटरप्रिटेशन क्या करें। तो फिर सत्य जो तथ्यात्मक इतिहास की बात करते हैं वो ये क्यों नहीं बताते कि इंटरप्रिटेशन जो है इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट्स। और इतिहास में मिथक जिसे आप कहते हैं, मिथक क्या है पंजाबी में कहते हैं मिथना, मिथना मैंने कंस्ट्रक्ट, व्हाट हैव यू थॉट, आपने क्या सोचा। तो मिथक भी चिंतन है, किसी चीज की परिकल्पना करना है, कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन है। तो मिथक भी अपने आप में एक सत्य है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनुभव से निकला है। तो इसलिए इतिहास और मिथक भी साथ साथ चलते हैं हमारे यहाँ, और दोनों को ही सत्य माना गया है, दोनों में से कोई असत्य नहीं है। आपने जो बात की, मुझे लगता है जीवन में ना दो चीजें हैं, एक है कि आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, आप खड़े कहाँ हैं। जब तक आप ये तय नहीं करते तब तक आप क्या देख रहे हैं ये तय नहीं हो सकता। हरा जी ने जहां खड़े होकर अपनी बात की है वो है भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय इतिहास दृष्टि। उस भारतीय इतिहास दृष्टि से वो पद्मनी विषयक जितने भी काव्य ग्रंथ हैं, देश ग्रंथ हैं, उनका विवेचन कर रहे हैं और उसी दृष्टि से वो इतिहास का भी वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए जब आपका स्टैंड पॉइंट क्लियर होता है तो आपका व्यू भी क्लियर होता है। आपका व्यू पॉइंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्टैंड पॉइंट क्या है। अब पश्चिम के स्टैंड पॉइंट को लेकर आप भारतीय चिंतन की व्याख्या करने चलेंगे उसमें गलतियां होंगी ही, क्योंकि आपका स्टैंड पॉइंट गलत है। आप गुफा में बैठे हैं और गुफा में बैठकर कहते हैं सूर्य तो होता नहीं, सूर्य तो है ही नहीं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं क्योंकि आपका सत्य वही है। आप जहां खड़े हैं, जहां से देख रहे हैं, वहां से सूर्य कोई दिखाई पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप स्टैंड पॉइंट बदल लेंगे, गुफा से बाहर आ जाओगे तो आप कहोगे सूर्य तो होता है, मैंने देखा है उदय होता है। तो इसलिए स्टैंड पॉइंट भारतीय दृष्टि का अगर रहेगा तो हम तथ्यों को ठीक से विवेचित कर पाएंगे। अगर स्टैंड पॉइंट हम पश्चिम का लेकर खड़े होंगे अब तो सारे तथ्यों की विवेचना भी उसी रूप में गलत करते चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस प्रकार से श्रुत परंपरा, ये हमारी परंपरा सदा से रही है। हमारे यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन जो है वही सबसे महत्वपूर्ण रही है। और ओरल ट्रेडिशन इसलिए नहीं रही कि लिपियां नहीं थी, लेकिन ओरल ट्रेडिशन सबसे ज्यादा गणतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, जो प्रमाणिक भी है। क्योंकि वेदों को देखिए आप, हजारों साल से जिस रूप में उच्चरित तो होते थे आज भी हो रहे हैं। आपके कंप्यूटर में फीड किया वो गलत हो सकता है, लेकिन जो विधि से, जिस विधि से उसका उच्चारण आज से 2000 साल पहले होता था, आज भी आपको मंदिरों में उसी तरह से उच्चारण करने वाले मिल जाएंगे, कॉमा फुल स्टॉप की गलती नहीं है। तो हमारे यहाँ श्रुत परंपरा को बहुत शुद्ध ढंग से कैसे आगे ले जाया जाता है ये सबको, सबका अनुभव है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि हम अपनी श्रुत परंपरा को ये कहकर कि इसका तो जी कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसका तो जी कोई साक्ष्य जमीन के नीचे से नहीं मिला, ये कहकर उसको ठुकरा नहीं सकते। और हाड़ा जी ने यही किया है, उन्होंने श्रुत परंपरा को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि ये जितने भी कथाएं हैं ये पता नहीं कितने हजार साल से श्रुत परंपरा में चली आ रही थी। अब पद्मावत लिख दिया जायसी ने, उसको भी तो इस परंपरा यहीं से मिली होगी, वो कहीं विदेश से लेकर नहीं आया ये सारी, परंतु उसने बहुत कल्पनाएं की, उसने बहुत से नए करेक्टर उसमें डाले और उसकी स्वतंत्रता है साहित्यकार के नाते, ये उसका अधिकार है। और उसने जो किया उसको इतिहास तो नहीं कह सकते, उसने परंपरा से कुछ अंश लिए और उसमें कल्पना मिश्रित करके अपने मत के प्रचार के लिए, क्योंकि भारतीय परंपरा को लेना उसकी मजबूरी थी, जितने भी सूफी संत हैं उनकी ये मजबूरी रही है, उन्होंने भारत प्रेम के कारण ये भारतीय कथाएं ली। मैं ऐसा नहीं मानता, जितना कि मैंने साहित्य पढ़ा है,
क्योंकि उनको अपना धर्म प्रचार करना था और हिंदुओं के बीच में यहाँ के समाज में करना था। स्वीकृति तभी मिल सकती थी अगर पात्र भारतीय हो, परिवेश भारतीय हो और जो वर्णन किया जा रहा है उस वो कहीं ना कहीं छूता हो। उसके बीच बीच में आप अपनी बात भी डालते जाएंगे तब आपको मान्यता मिलेगी। जब मान्यता मिल जाएगी तब आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, धर्म परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। और मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में जितना धर्म परिवर्तन सूफियों ने करवाया है उतना तलवार के बल पे कभी नहीं हुआ, वो बहुत लिमिटेड हुआ है। लेकिन मजारों पर आज भी लोग दिया जलाते हैं, आज भी उसी तरह चादरें चढ़ाते हैं। क्यों? आज तो कोई दबाव नहीं ना है, लेकिन वो दिलों में घर करने के बाद फिर धर्म परिवर्तन आसान हो जाता है। तो वो उन्होंने दूसरा रूट अपनाया, तलवार का नहीं अपनाया। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। अगर आप जितने भी बड़े सूफी संत हुए हैं उनके उपलब्धि क्या है उनकी और राजा उनका सम्मान ज्यादा क्यों करते थे, तो आपको ध्यान आएगा कि वो इस कार्य में उनके पक्षधर थे, उन्होंने ऐसा किया। तो ये जो काव्य है हमारे उनको लेकर हड़ा जी ने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, बहुत ही शोध पर कार्य किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और आभासी माध्यम से जो हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और अपने एक विद्वान साथी के विचार सुने और आगे वो उस पर चर्चा भी करेंगे। मुझे इतना ही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाड़ा साहब, मैं आज यस सर, आपके बिना तो पूरा ही नहीं होता कुछ। धन्यवाद निदेशक महोदय का, और हमने बहुत विचार तेजक प्रस्तुति सर की सुनी और उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बद्धमूल धारणाओं पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, उसका खंडन किया। विशेष रूप से दो इतिहास के प्रख्यात विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले जैसा कि परंपरा है कि आभासी माध्यम में जो जुड़े हुए हैं उनको पहले महत्व दिया जाए और उसके बाद हम अपने अध्येता बंधुओं से सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो आप संक्षेप में प्रोफेसर चहल, यद्यपि चर्चाएं चलती रही हैं इसी प्रश्न पर, उसको दोहराव से बचने के लिए बचते हुए आप बताएं। नहीं, मैं संक्षेप में ही बात रखूंगा, हालांकि हड़ा साहब ने काफी समय लिया है, थोड़ा सा चर्चा को भी समय मिलना चाहिए। और प्रश्न डायरेक्ट हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, सब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन होती है, मेरे सवाल भी होते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्ला जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप अध्यक्षता भी कर रहे हैं, आपने मुझे मौका दिया सबसे पहले, और मैं ये संस्थान का भी शुक्रगुजार हूँ, इसने मुझे मौका दिया। पिछले 2 साल में यहाँ रह के गया और अभी भी वो संस्थान हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम आपसे जुड़े। इनफैक्ट मैं पर्टिकुलरली अब हाड़ा साहब की बात करूँगा। ठीक है, हाड़ा साहब, सबसे पहले तो बधाई दूंगा मैं आपको कि आपने, आपकी मैंने तीनों प्रेजेंटेशन देखी और असल में इस प्रेजेंटेशन को मैं मिस कर रहा था। तो आपकी जो शुरू शुरू की प्रेजेंटेशन थी, पहली प्रेजेंटेशन, उसमें मैंने कुछ जो है टिप्पणियाँ करी थी आपकी, आपकी प्रेजेंटेशन के बेस पे ही थी, आप मेरे मित्र हैं उसमें। और अब मैं नो डाउट बहुत सारी मैच्योरिटी मैं आप में देखता हूँ आपके। देखिए, जब काम शुरू करते हैं, जब कुछ और हमारी कुछ जो है धारणाएं होती है, प्री कंसीव्ड नोशंस भी होती हैं, तो और कुछ जो है काम जो है हमारा बहुत ही कच्ची स्टेज में होता है। तो आप इस लेवल पे अब आप पहुंचे हैं, नो डाउट आपकी प्रेजेंटेशन से ये तो दिखता है कि आपने काफ़ी सारा पढ़ा है और आपकी कुछ धारणाएं शायद छूटी भी हैं जो कि इस बात से जाहिर होती है, जब शुरुआत आपने इस बात से करी कि जो टैगोर हैं वो आपको पसंद है। और जब आप ये कहते हो कि टैगोर आपको पसंद है तो जाहिर सी बात है पश्चिम के प्रति जो आपका दुराग्रह है या जो पूर्वाग्रह है वो कुछ हद तक आपने छोड़ा है। और ये बात मैं बधाई दूंगा आपको इस बात के लिए। हालांकि आपकी प्रेजेंटेशन में उतना दिखा नहीं, फिर भी आपका जो एम्पिरिकल जो वर्क है वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है उसका डाटा। और ये मैच्योरिटी ऐसा नहीं कि मैं कोई इसको आप अदरवाइज मत लेना, ये मैच्योरिटी हम सब, ये संस्थान की असल में परंपरा है। मैं भी खुद जो है ना, आई माई सेल्फ फील दैट टुडे आई एम टोटली चेंज्ड मैन।
संस्थान ने बहुत कुछ दिया है, यहाँ पे जो डेलीगेशन करते हैं, यहाँ पे जो रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, ये उसकी देन है कि हम डीप में जाके चीजों को समझते हैं और अपनी धारणाओं को बदलते भी हैं। तो अब मैं आपके खास प्रेजेंटेशन पे अपनी एक टिप्पणी देना चाहूँगा। देखिए, आपने नो डाउट इतिहासकारों को आड़े हाथों लिया है और हमारी खिंचाई होनी चाहिए, लेकिन देखिए आप इतिहास में दखल तो दे रहे हैं, पर एक समस्या है आपकी जो कि अभी भी मिट नहीं पाई है और शायद मिटेगी भी नहीं क्योंकि आप जिंदगी के इस पड़ाव पे हैं, वो ये है कि आप हिस्ट्री और मिथ, इन दोनों में जो फर्क है उसको मिटा देना चाहते हो। देखिए मैं डॉक्टर साहब, मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कहूँगा, बड़ी विनम्रता से ये बात कहूँगा कि जो मिथ है और हिस्ट्री, इसमें हम लोग इतिहासकार लोग इसकी इसके बीच में जो दूरी है, इसके बीच में जो दीवार है, इसको हम नहीं मिटा सकते। कारण सिर्फ ये है, कारण सिर्फ इतना सा है, हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कारण सिर्फ इतना है कि हम इतिहास को विज्ञान मानते हैं, और जब आप इतिहास को विज्ञान मानते हैं तो इतिहास में देखिए फिक्शन का, कल्पना का, माइथोलॉजी का, इन चीजों को स्थान हमें देने में समस्याएं आती है। और आपने हालांकि इतिहास की आलोचना करी, इतिहासकारों की भी आलोचना करी, लेकिन असल में तो आप खुद इतिहास की रचना करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके सोर्स है। देखिए जब इतिहास को विज्ञान कहते हैं ना, देखो सबसे पहली चीज है सोर्स की और दूसरी चीज है मेथोडोलॉजी की, ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब पहले सोर्स की बात कर लूँ, आप बार बार जो है पुरातात्विक स्रोत का उल्लेख कर रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता पुरातात्विक स्रोत आपने कोई देखे होंगे, असल में आप शायद जो है आर्काइवल एविडेंस की बात कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्काइवल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। चलो मैं ये मान लेता हूँ आप जो है आर्काइवल सोर्स की बात कर रहे होंगे, तो आर्काइवल सोर्स को आप आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत ही पावरफुल सोर्स, दूसरी तरह का सोर्स भी तो लाना पड़ेगा। अब समस्या आपकी ये है कि आप सारे के सारे लिटरेरी सोर्स को ही बेस बना के, यानी जो एक तरह से कुछ मिथिकल सोर्स हैं जो कि बहुत ही डाउटफुल हैं, उनको बेस बना के आप पूरी हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन कर देना चाहते हैं, क्योंकि स्वीकार्य नहीं है। हम देखिए हर तरह के सोर्स यूज करते हैं, हम लिटरेरी सोर्स भी यूज करते हैं, हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी यूज करते हैं, हम आर्काइवल सोर्स भी यूज करते हैं, हम ओरल ट्रेडिशंस का भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल करके करते हैं। तो वो चीज़ देखिए आपके काम में मिसिंग है, और क्योंकि इसलिए मिसिंग है क्योंकि आप साहित्य के आदमी हैं, अगर आप साहित्यकार ही रहते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप इतिहास भी लिख रहे हैं। अगर आप इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो आपको इतिहासकार के सारे तरह के जो मेथडोलॉजीज हैं, सारे टूल्स और सभी तरह के सोर्स को भी देखने की हिम्मत करनी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत कुछ आपको बहुत सारा जतन चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो अभी कही और मंच की तरफ से भी कही गई, आप भी जो दावा कर रहे हैं, ये बार बार जो आप ये जो ये एक लाइन खींच रहे हैं कि पश्चिम बनाम भारतीय, देखिए मैं इससे विनम्रता से असहमत हूँ। देखिए मैं हमेशा ये बात मैंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन में भी कही थी और बार बार भी मैं कहता रहा हूँ, ये जो हम ज्ञान को ऐसे खांचों में बांटते हैं, ये पश्चिमी ज्ञान है, ये भारतीय ज्ञान है, देखिए ज्ञान ज्ञान होता है, मैथमेटिक्स भारतीय पाश्चात्य ऐसा नहीं होता, साइंस भारतीय पाश्चात्य ऐसा नहीं होता, इतिहास भी कोई का जो देखने का जो तरीका है वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक तरीका होगा, उसमें भारतीय भी परंपराओं को हम शामिल करेंगे, पाश्चात्य परंपराओं की, कोई भी साइंस होता है वो पूरी दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स का उत्पाद होता है। अगर आप ये कहते हैं पश्चिम ने जो किया, पश्चिम के विद्वानों ने जो भी किया उसको मैं छोड़ देता हूँ बिल्कुल, तो फिर तो आप टैगोर की जो मूल लाइन है उसी को भूल रहे हैं। टैगोर ने जो है बहुत सारी पश्चिमी परंपराओं को भी स्वीकार किया है। असल में पश्चिमी सवाल शब्द ही गलत है मेरे ख्याल में, ये पश्चिम कह के हम पूरी मॉडर्न जो मेथडोलॉजीज हैं और मॉडर्न साइंसेज हैं उनका ही हम तिरस्कार कर देते हैं, जो कि शायद गलत है, हम अपने आप को गरीब बना लेते हैं। तो ये जो मिथ और हिस्ट्री के बीच का अंतर, एक तो ये आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, दूसरा जो है इतिहास को विज्ञान के तौर पर देखना है, और इतिहास एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दुनिया के सभी ब्रेन्स का योगदान है हमारी मेथोडोलॉजी के विकास में। अरे यहाँ और भी प्रश्न है बहुत सारे विद्वानों के, अगर अगर कोई और प्रश्न हो तो ठीक है, अन्यथा इन दोनों प्रश्नों पर आप उत्तर दे लें, फिर उसके बाद सर कुछ फैक्ट्स की और बात करते हैं, दो बातें और कर दूं बस। आपने डॉक्टर साहब, आपने जो इतिहास शब्द के जो अर्थ बताए, जो भारतीय,
देखिए वो सारे उन अर्थों को हम भी जानते हैं जिन अर्थों का आप जिक्र कर रहे हो, उसका मतलब कथा भी होता है, उसका मतलब पुराण भी होता है, उसका मतलब ये भी होता है। ये देखिए ये सारे वैज्ञानिक अर्थों में जब इतिहास शब्द का विकास होता है पश्चिम में भी, भारत में ही नहीं, वहां भी इस तरह के अर्थ लिए जाते हैं, वहां भी कहानी से इतिहास को जोड़ा जाता रहा। लेकिन बात सवाल ये है कि हिस्ट्री है क्या? आज आधुनिक अर्थों में, वैज्ञानिक अर्थों में आज इतिहास विज्ञान है, और इतिहास को विज्ञान की तरह हमें देखना होता है। इतिहास को कथा की तरह, इतिहास को मिथ की तरह, पुराण की तरह हम नहीं देख सकते। ये आपका जो तथाकथित भारतीय आग्रह है, मुझे इसमें बड़ी आपत्ति होती है। ये भारतीय आग्रह क्या होता है? भारतीय आग्रह क्या मतलब है? वैज्ञानिक होना होता है। तो मैं इस चीज पे बड़ा खतरा कड़ा ऐतराज करूंगा। ये भारतीय जिसको आप कहते हैं, ये भारतीय नहीं, ये आपका आग्रह है। भारतीय जो परंपरा है, अगर आप भारतीय परंपरा भी बनाए, वो विज्ञान से विमुख नहीं हो सकती। और दूसरी एक और चीज, आप राजपूत उत्पत्ति की भी बात करने लगे, आप सारे इतिहास के बड़े जटिल मसलों में जा घुसे, लेकिन आपको इसमें जो है एविडेंस दे ही नहीं पाए। आप ये दावा कर रहे हो कि जो इतिहास राजपूत है वो विदेशी नहीं थे, ये भारतीय मूल के ही थे। अरे डॉक्टर साहब थोड़ा सा गौर कीजिए, उत्तर भारत में इन्होंने जितने, अब इनको उत्तर देने का भी अवसर दीजिए कृपा करके, और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, और जितने भी प्रश्नांकन उन्होंने किए सारे सारे प्रमाणों के आधार पर किए, और आप बताइए प्लीज प्लीज छोटे भाई मेरे को ध्यान से उत्तर सुन लीजिए, बस आखिरी बात नहीं, आप उत्तर सुनिए, बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास हैं। हमारे पास, मैं आपको खुशखबरी देता हूं, हमारे पास 16 नए सहअध्येता आए हैं और उनकी बात हमें सुननी है, अभी समाप्त हो जाएगा सब, तो इसलिए चलो चलो मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। आलोचना भी सुननी चाहिए, और आलोचना से संवाद करके हमेशा अच्छा लगता है। आप उत्तर दीजिए। देखिए, क्या आपने पिछली प्रस्तुति में भी कहा था कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, इतिहास में हस्तक्षेप ठीक नहीं, पर ये अपराध तो मैंने फिर भी किया है और आगे भी करता रहूंगा। मैंने इससे पहले मीरा पे किताब लिखी, उस पर भी, उसमें भी मैंने ये अपराध किया था। वो क्या है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, है ना, ठीक है। एक तो ये हुई बात, और इतनी चल रही है किताब। हाँ, वो किताब ठीक चल रही है, ऐतिहासिक चीज कर रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इंग्लैंड का 19वीं शताब्दी का संविधान भारत की 14वीं शताब्दी में नहीं था, इसमें किसका अपराध है? आप इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी के संविधान की धारणाओं को भारत की 14वीं शताब्दी पर लागू करना चाहते हैं। ये 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 मुझे लगता है कि ये एक तरह, आप उस समय और समाज में, उस समाज की पारिस्थितिकी में, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी में प्रविष्ट करके ही कोई अच्छा निर्णय निकाल सकते हैं। एक यदि ये बात वीएस पाठक ने बौशम के अधीन, उन्होंने शोध कार्य किया था भारतीय इतिहासकार, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आरंभ में कही है भूमिका में, यदि आप मध्यकालीन शरीर में आधुनिक आत्मा का प्रवेश करवा दें और फिर उससे आप मध्यकालीन अनुभव की अपेक्षा करें, तो ये जो अनुभव होगा बहुत विचित्र प्रकार का होगा। और आप अन्यथा न लें, आधुनिक इतिहासकारों का अधिकांश जो अनुभव है मध्यकाल का, वो इसी तरह का विचित्र अनुभव है, वो सही नहीं है। एक बात तो ये हुई, श्रोतों की प्रामाणिकता पर आपने कहा, तो देखिए आपने शुरू में टैगोर का जिक्र किया था, मैं टैगोर से ही शुरू करता हूं, और मैं हर जगह कहता हूं, उन्होंने कहा था कि सब धान के खेत में बैंगन नहीं होते। आप बैंगन के धान के खेत में बैंगन नहीं है, तो आप जो बैंगन नहीं है, तो आप धान की प्रजाति को अन्न मानने से बना कर देंगे क्या? आप उस धान को अन्न की प्रजाति मानने से मना कर रहे हैं। हर समाज की एक सांस्कृतिक परिस्थिति की है, हर समाज की एक सांस्कृतिक भाषा है, वो उसी भाषा में अपनी बात करता है। किंवदंतियां, जनश्रुतियां, कथा रूढ़ियां, अभिप्राय, ये हमारे समाज की सांस्कृतिक भाषा है। यदि आप हमारे समाज की सांस्कृतिक भाषा को, देखिए क्षमा कीजिए, मैं पुनरुत्थानवादी नहीं हूं, प्रतिगामी नहीं है,
मैं इधर भी नहीं हूँ और उधर भी नहीं हूँ, जैसा भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं जो इस तरह का प्रमाणीकरण करती हो कि आप इधर के हैं उधर के हैं। हम अपने विवेक पर थोड़ा भरोसा करते हैं। मेरा ये आप वही अपेक्षा ये कर रहे होंगे कि मैं आप सोचेंगे स्वतंत्र है रिकॉर्ड हो आप आगे आ जाएं अभिव्यक्ति स्वतंत्र के देरिदा क्यों नहीं है, ग्रामसी क्यों नहीं है। नहीं है हाँ। बहुत अच्छा है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न श्रोताओं की प्रामाणिकता को लेकर, तो मुझे लगता है कि हमें अपने श्रोताओं पर, अपने ढंग के श्रोताओं पर विश्वास करना चाहिए, तो तभी आप कोई अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएंगे। दूसरा, बार बार विज्ञान कोई किसी विज्ञान किसी अंतिम निष्कर्ष पर आपको ले जाता हो ऐसा नहीं है। विज्ञान भी जो ज्ञात है वो वही तो है, आप इसके बाहर भी है बहुत सारी चीजें अभी तो। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत लोग कह रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि आप सारी सभ्यता के इतिहास को समझा तो मार्क्स ने भी था, समझा तो ग्रामसी ने भी था, और हर समय और समाज में उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगते ही है। सही, ऐसा नहीं होता कि कोई अंतिम शक्ति हो गया हो, और इतिहास की जो धारणा है वो भी अंतिम धारणा नहीं है, खासतौर पर मध्य एशियाई देशों के बारे में, जैसा मैंने शुरू शुरू में कहा, क्षमा कीजिए, दक्षिण एशियाई देशों के बारे में, उनको अर्ध सभ्य असभ्य मानकर आपने तय कर लिया कि इन इनकी धारणाएं और विश्वास अंधविश्वास है, लेकिन वे ये आपको अपने समाज को समझना है तो उसकी सांस्कृतिक भाषा तो समझनी ही पड़ेगी, और हम कोशिश वही कर रहे हैं। उसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो कहा अंतिम है, मैं दावा नहीं करता, मैं तो शोधार्थी हूँ, और किसी शोधार्थी को ऐसा दावा करना भी नहीं चाहिए जो मैंने कहा वो अंतिम है। ये गुंजाइश तो है कि कोई नया आयाम आएगा, कोई नई बात आएगी सामने। बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया आपने। वस्तुतः इतिहास चाहे कितना भी वैज्ञानिक होने का दावा करे वो अनंतिम नहीं हो सकता, और हमारे पास जो हमारे ऐसा स्रोत हैं उन सबको एक सिरे से अवैज्ञानिक कह करके खारिज कर देना, ये अपने साथ एक तरह से अन्याय है। अब हमारे पास दूसरे प्रश्न, सर कृपा करके अपना परिचय दीजिए ताकि हम लोगों को पता चले कि आप। सर मेरे डॉक्टर दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में हूँ, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा फैकल्टी जो है फिलोसफी दर्शन शास्त्र है। आपका बहुत तथ्यपरक और बहुत ज्ञानवर्धक व्याख्यान था। मेरा एक्चुअल में यह प्रश्न है कि अंग्रेजों ने इतिहास लिखा और पुरातात्विक जो बाद में खोजे गई तो उस इतिहास को बतला गया, पीछे ले जाया गया, उन्होंने अपने लाभ के लिए लिखा था। लेकिन अभी वर्तमान आधुनिक भारत में हम दो तरह के विचारकों को देखते हैं, एक तो उन अंग्रेजों का पढ़ा हुआ इतिहास, और एक जो हमारी आपने जिस परंपरा को या देशज परंपरा को सामने रखा, और शास्त्रार्थ परंपरा हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो अलग अलग तरह के विचारक है उनके आपस के विचारोत्तेजन या आपस के लड़ाई में हम अपने देश के गौरव को तक पहुंच ही नहीं पाते, तो इनका समन्वय कैसे स्थापित हो आपके हिसाब से। और दूसरा मेरा एक और प्रश्न था कि जो गाथा ग्रंथ हमको मिलते हैं, जैसे आपने पद्मिनी का वर्णन किया, उन गाथा ग्रंथों में के सत्य होने के बावजूद उसमें कुछ संदेह और कल्पना के अंश होते हैं, जैसे कि आपने ही कहा कि अलग अलग ग्रंथों में करेक्टर्स का वर्णन अलग अलग किया गया, किसी में पत्नी बताया गया, किसी में बेटी बताया गया, तो संदेह का एक छोटा सा अंश उनमें भी विद्यमान रहता ही है, जिसके कारण शायद ये बहस और चर्चाएं होती हैं। तो ये भी एक समस्या है कि उन ग्रंथों को हम अब श्रुत के प्रमाण के आधार पर तो सत्य मानते हैं, लेकिन दूसरा कोई आदमी है उसमें तथ्य और तर्क को ढूंढता है तो उसे समस्या होती है। तो इस तरह का इतिहास को किस तरह से स्पष्ट किया जाए? देखिए, ये गुंजाइश तो मुझे लगता है कि हम रहेगी, हमेशा ही रहेगी। आप ये सोचते हो कि इधर उधर उधर वालों के बीच में कोई समन्वय होगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है।
अब हमारे हम जैसे लोगों की दुविधा है कि हमको इधर वाले उधर का नहीं मान, इधर का नहीं मानते, ये उधर प्रॉब्लम वाले है। इधर का नहीं मानते, मतलब दोनों तरफ से गालियां ही पड़ती और आप दोनों तरफ जाना चाहते हैं। है। तो ऐसा हर समय और समाज में होता है, ये कोई नई बात नहीं है, और ये हमारे समाज की खूबसूरती भी है। लेकिन सर एक मिनट सर, सॉरी, एक्चुअल में सिर्फ इतिहास में ही नहीं, हम हर जगह देखते हैं, यहाँ तक कि जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में जो एडिटोरियल के कॉलम रहते हैं उनमें भी हमें दो प्रकार के विचारक दिखते हैं, तो ये भेद बहुत बड़ा हो गया है। नहीं, मुझे लगता है किसी किसी मतलब एक रूपता की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मनुष्य का मनुष्य एक ऐसी इकाई है, मनुष्य का स्वभाव, उसका गठन इतना विविध प्रकार का है। लेकिन संवाद तो होना चाहिए पहले हाँ, पहले। लेकिन एक बात है, जो तो हम चहल साहब हमारे मित्र हैं, हम उनसे कहते थे कि भाई संवाद आपका असहमत से ही हो सकता है, और असहमति के लिए गुंजाइश रखी जानी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपने अंतिम तो कुछ नहीं कहा, उसके लिए तो बची हुई ना जनता। दूसरा, ये जो कभी कभी विज्ञान वाले कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस वाले लोग हमेशा झगड़े करवाते हैं, उनका काम ही ये है। ये मनुष्य के स्वभाव में और उसके विचार में शामिल है। देखिए, कोई चीज, कोई जायसी ने एक अच्छी बात कही, जायसी ने, जिनको बहुत मनोयोग से, कोई न रहा जग रही कहानी, जो अभी एक क्षण पहले गया वो कहानी हो गया, उसका जो नरेशन होगा वो यथार्थ नहीं होगा, ये तय मानिया, अभी भी वापस जो कहेगा वो कभी भी। इसलिए जायसी ने कहा कि देखिए, एक तोता था, एक वो हीरामन था, एक रत्नसेन था, एक पद्मिनी थी, और फिर अंत में उन्होंने समापन इससे किया कि कोई न रहा जग रही कहानी। तो अंततः तो भारतीय, एक भारतीय परंपरा की खास बात है कि वो इतिहास को मृत की तरह इस्तेमाल नहीं करता, जीवंत की तरह इस्तेमाल करता। हम उसको उसको दस्तावेजी मानते ही नहीं कि ठहर गया, हम उसको निरंतर जीवंत करते रहते हैं। इसीलिए ये तो ये चकार ने भी कहा कि वो कभी आपके पास यथार्थ की तरह नहीं आएगा, अतीत। लेकिन सर इनका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था कि हम उस विभिन्न वर्जन्स जो हैं उनमें से सत्य किसको माने, क्योंकि अंततः तो हमें जिज्ञासा होती है ना कि इसने रत्नसेन ने गोरा बादल को मारा था या नहीं मारा था, वो सही है, कितना हिस्सा हम निकालें, कैसे निकालें, एक मेथडोलॉजी क्या होनी मैं तो चाहिए। इस बात का पक्षधर तो हूं कि इस तरह का वैविध्य, ये तो जब आप टेक्स्ट का जो नया पाठ है वो भिन्न तो होगा ही होगा। यानी नहीं, टेक्स्ट इतिहास निकालने की, तथ्यात्मक इतिहास निकालने की हमें निकालिए सही। ना, तथ्यात्मक इतिहास इस तरह के कुछ होता भी नहीं जिसको आप बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट अतीत सामने रख देंगे आप, ऐसा कभी होता ही नहीं। लेकिन हाँ, विसंवादी जो सूचनाएं हैं वो तो विसंवादी रहती। सूचनाएं हमेशा रहेगी, मानवीय सभ्यता के तो इतिहास में दो हमेशा रहेगी। धड़े तो फिर ये रहेंगे। देखिए, जो संघर्ष का कारण है वो दूसरा है कि आप आइडेंटिटी से जोड़ने लगते हैं। हमारी परंपरा में हम आइडेंटिटी से जोड़ते ही नहीं थे इस तरह की चीजों को, अब आइडेंटिटी से जोड़ने लगे तो संघर्ष करने लगे सही कि सही, ऐसा क्यों है। बहुत अच्छा उत्तर। हाँ, अगला अगला प्रश्न पूछ रही है, आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दें तो हमें भी पता चलता है। मेरा प्रश्न ऐसे नहीं है, आप जो बोल रहे थे वो मैं यानी क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे कहीं पे, यानी जो हिस्ट्री है वो हम पीछे जाके उसको देख तो नहीं सकते कि सच में क्या हुआ था, ये तो हम नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, हमारे अलग अलग वर्जन है, तो वो जो ये नहीं बोल सकते कि ये एक वर्जन जो है वो दूसरे वर्जन से ज्यादा ऑथेंटिक, और जब और ये हिस्ट्री और लिटरेचर इसमें ये हमेशा चलता रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट है ये पर्टिकुलर साल में पब्लिश हुआ है, ये हम हिस्ट्री
हिस्टोरिकल वे में ये बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें जो वही ऑथेंटिक है और दूसरा वाला जो है वो ऑथेंटिक नहीं है. इट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी बिकॉज वी कांट गो बैक यानी उसको ऑथेंटिकेट जो है एविडेंस जो है मैंने देखा है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो तो हम फैला ही नहीं सकते हैं. सही बात है. ये जो बात यहाँ पे यानी चल सर की भी जो बात मैंने सुनी और ये तो मुझे ये कहीं दिखाई दिया कि ये वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन जो हिस्ट्री का जो पार्ट है और जो लिटरेचर का पार्ट है उसमें हम कहीं कंफ्यूज हो गए. ये जो हम जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर एपिसोड जो हुआ है हिस्ट्री में हुआ है तो उसको अलग अलग टेक्स्ट ने किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया है. We were not talking about whether it has happened or not happened or in what way it had happened. तो ये यानी जो सर जो बोल रहे थे उसको मैं सपोर्ट करना चाहूंगी. सर मैं हिंदी की नहीं हूँ, मुझे एक थोड़ा सा ये था आप एक परिवर्ती साहित्य करके बोल परिवर्ती बाद का परिवर्ती का मतलब क्या है? बाद का परिवर्ती परिवर्ती एक बात मैं भूल गया आपको बताना कि भारतीय परंपरा में कथा और इतिहास दो स्वायत्त अनुशासन नहीं है, अलग अलग मिले हुए. हमारे यहाँ कविता हमेशा दरबार से संबद्ध रही. एक दूसरा कथा जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास कई बार कथा कहते हैं उसको रामचरितमानस को और कीर्तिलता को तो उन्होंने कहानी कहा ही है विद्यापति ने. तो कथा हमारे यहाँ स्वायत्त अनुशासन नहीं है, इतिहास का नियोजन उसमें होता ही है, परंपरा से होता है. आप राजतरंगिणी पढ़ेंगे तब भी उसका जो पूर्वार्ध है पूरा का पूरा वो मिथकी अतीत पर ही निर्भर है. ये तो ये केवल हमारे यहाँ नहीं होता, ये यूरोप में भी होता है. उनकी मुश्किल है कि वो अपना तो विश्वास है और आपका अंधविश्वास है. ये हर सभ्यता और संस्कृति में होता है. सही बात है, सबका अंधविश्वास बराबर अंधविश्वास है. पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप बोले. डॉक्टर महात्मा पांडे साकेत महाविद्यालय हिंदी विभाग मुंबई. सर सवाल तो ये है कि जैसे आपने एक स्लाइड में एक जिक्र किया है पद्मिनी, तो एक जगह पद्मिनी पर्टिकुलर पद्मिनी नायिका के रूप में आ रही है और एक जगह आया है पद्मिनी स्त्रियों, तो वो पद्मिनी स्त्रियों से वहाँ क्या तात्पर्य है सर वो मैं नहीं समझ पाया. ये बहुत सामान्य सा सवाल है. पद्मिनी हमारे यहाँ शास्त्र में चार कोटि की स्त्रियों का वर्णन कहा गया है हमारे यहाँ. और इन सब में कमोबेश पद्मिनी स्त्री के और सभी स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन आया इन रचनाओं में. दूसरा ये था कि अभी मैंने हाल ही में एक रचना पढ़ी है और बड़ी चर्चित रचना आई है त्रिलोकनाथ पांडे जी की है प्रेम लहरी. उन्होंने जो संस्कृत काल शास्त्र के आचार्य पंडित राज जगन्नाथ पर उनकी नायिका लौंगी और उनको लेकर के लिखा है. उसमें तमाम मिथकी चित्र जो मुगल कालीन क्योंकि वो भी मुगल पीरियड के ही थे लगभग तो उसमें लौंगी का जो मिथकी चरित्र दिखाया गया है थोड़ा सा उसको पढ़ा और आपके इस जो आपने आज बोला है कहा है तो दोनों का कंपेयर किया मैंने तो काफी कुछ उसमें सिमिलरिटी दिखाई दी. हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए. हमारे बीच एक और प्रख्यात इतिहासकार बैठे हुए हैं, हम उनके मत को सुने और आप अगर प्रश्न हो तो पूछें. प्रोफेसर दिनेश सकलानी साहब. धन्यवाद सर. मैं प्रख्यात तो नहीं हूँ और न ही ख्यात हूँ, थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ और पढ़ता रहता हूँ. चहल साहब मुझे जानते हैं, बहुत पहले मिले थे यूनिवर्सिटी में. चहल साहब ठीक है ना, शिमला में मिले थे एच बी यूनिवर्सिटी में. और आज की प्रस्तुति का जो प्रश्न है और इतिहास का जो प्रश्न है उसमें कुछ एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी. हाड़ा साहब ने बहुत मेहनत की और निश्चित रूप से जो हमारी देशज परंपरा है इनको छोड़ते अगर हमें तो हम अपने अस्तित्व को भी छोड़ देते हैं कई बार. तो ये बड़ी मेहनत का काम है, साहित्यकार का काम यही है जो उन्होंने किया है, अपना धर्म निभाया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. मगर जब हम इतिहास की बात करते हैं और भारतीय दृष्टिकोण की बात करते हैं तो निश्चित अप्रोचेज हैं इतिहास की. चहल साहब को भी जानकारी है कि इतिहास की अलग अलग अप्रोचेज हैं और हम इन अप्रोचेज के बीच में फंसे रहते हैं. इंटरप्रिटेशन अपनी जगह है. तो हमारे यहाँ जो महाभारत के शांति पर्व में इतिहास की परिभाषा दी गई है उसमें लिखा गया है कि कोई भी रुचिकर गाथा या कथा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है इतिहास कहलाती है. मतलब अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं.
उस समय का जो अप्रोच था और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखा गया था वो उन्होंने इतिहास समझ के लिखा था। और उनको ये कह देना कि आज हम कहें कि हमने चश्मा काला पहना है तो बाहर काला क्यों दिख रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। बाहर तो धूप लगी है, चश्मा हमने काला पहना है, अगर हम हटा देंगे तो धूप दिखाई देगी। इसलिए बात यह है कि अप्रोच को समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारी अप्रोच ये रही है और हम अभी भी उसी अप्रोच पे काम करना चाहते हैं, जबकि कंट्रडिक्शन दूसरा हो गया है। आपने सही कहा कि इतिहास के लिए लिखने के लिए सोर्सेज होते हैं, अब सोर्सेज की भी अपनी विडंबना है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मैं भी इतिहास पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ और यह कन्फ्रंटेशन हमेशा होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बनते कैसे हैं। अब जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से नदियां बड़ी तेजी से बहती है, कटाव करके ले जाती हैं बहुत सारी चीजों को, डिपोजिट कर देती है मैदान में, वहां खुदाई होती है, वहां वो चीज मिल जाती है। हम कहते हैं ये चीज यहाँ की है, पहाड़ में क्या कोई सभ्यता संस्कृति भी नहीं क्या? मैं हिमालयन आर्कियोलॉजी पे काम करता हूँ और वो कहते हैं यहाँ लोग ही नहीं रहते थे। ये भाई यहाँ से बह के गया, टूट के गया, नीचे डिपोजिट हो गया। आपको ट्रेस करना है कि वो सोर्स कहाँ का है, वो हमको समझना पड़ेगा। लिमिटेशंस हैं सोर्सेज की, सोर्सेज को नकार भी नहीं सकते, सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी तो अस्तित्व तो ही सोर्सेज पे है, मगर वो सोर्स कैसे बनता है एक तो ये बड़ी बात है कि आर्कियोलॉजी का बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, पूरी दुनिया हमने खोद नहीं डाली अभी तक, चेंज होता रहा है। अभी सिंधु सरस्वती सभ्यता का चल रहा है मामला, अब देखिए ये पहले से ही ज्ञात था, बहुत पहले से हम पढ़ते थे पहले कि साहब पहले पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई नहीं हुई थी तब क्या था इतिहास। 1921 में हड़प्पा सभ्यता आई, वहां से खुदाई शुरू हुई तो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बन गया, हमने वेदों को बाद में डाल दिया। अब कभी ऐसा होता है कि पहले हम शहर थे और उसके बाद ग्रामीण सभ्यता में चले गए? एक कल्मिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन जो हिस्ट्री का डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो तो यही चलता है ना, कि हम रूरल से अर्बन की तरफ जाते हैं और आज भी रूरल से अर्बन सभ्यताएं विकसित हो रही हैं और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। जो 200 साल पहले गांव थे आज कोई कह ही नहीं सकता गांव में, मुंबई भी गांव था, कलकत्ता भी गांव था, अब सब ये बड़े बड़े शहर गांव थे सारे के सारे। तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस तो ऐसे चलता है सर। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्कियोलॉजी के अपने लिमिटेशंस हैं और हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को जब तक पूरी तरह नहीं निकाल पाएंगे विवाद चलता रहेगा। ऐसे आर्यन इन्वेजन का विवाद भी चलता रहेगा जो कभी हुआ ही नहीं है, और उसका भी विवाद चलता रहेगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विवाद चलता, अब इसको सिंधु सरस्वती सरस्वती सिंधु सभ्यता जो अब कह रहे हैं हम, और हड़प्पा सभ्यता जब खोजी गई थी तो कुछ ही साइड मिली थी, आज तो पूरा देख लिया हमने कितना ज्यादा इसका विस्तार है। तो ये चेंज होता रहता है, इसमें हमें भी एक स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा कि रिजिड नहीं होना पड़ेगा कि यहीं पर है, और दूसरे को भी रिजिड नहीं होना पड़ेगा कि नहीं ये इतिहास है, कोई नहीं कह सकता। जहां तक सोर्सेज की बात है ये पिक एंड चूज होता है, मुझे जो पढ़ना है मैं एंशिएंट इंडिया क्यों पढ़ता हूँ भाई, मेरा बायस तो ये है ना कि हिस्ट्री क्या मॉडर्न इंडिया नहीं है, मैं तो एंशिएंट इंडिया का आदमी हूँ, मैं एंशिएंट के सोर्सेज को देखता हूँ, मैं एंशिएंट के सोर्सेज पे काम करता हूँ। तो मेरे अंदर बायस सबसे पहले यही हो गया कि व्हाई आई चूज द एंशिएंट इंडिया देन व्हाई आई चूज माय ओन प्लेस रीजनल सोर्स, मैं उत्तराखंड पे काम करता हूँ तो आई एम बायस्ड इन दैट वे। इफ वी आर अनबायस्ड देन हाउ कैन वी चूज। फिर प्योरिटाइजेशन की समस्या है, आप सब प्रख्यात इतिहासकार है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, तो प्योरिटाइजेशन की भी अपनी प्रॉब्लम है सर, प्योरिटाइजेशन भी प्रॉब्लम है, कैसे प्योरिटाइज किया जाए। ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने अगर ये पाश्चात्य की बात ना करें, कॉलोनियल एटीट्यूड से प्योरिटाइजेशन किया, ये सब मानते हैं उनका एटीट्यूड था पीरियड को हिंदू मुस्लिम इतिहास के रूप में बांटना और क्रिश्चियन इतिहास के रूप में बांटना, जबकि इतिहास ऐसा नहीं है। आपने सही कहा, इतिहास किसी धर्म का थोड़ी होता है, जो हो रहा है क्योंकि एक सर्वज्ञात फैक्ट है, हिस्टोरियन हैज नीदर टू लव पास्ट नॉर टू हेट पास्ट बट मास्टर द पास्ट। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छा था, पद्मावती अच्छी थी या अलाउद्दीन खिलजी खराब था, इससे कोई मतलब नहीं है। पर जो उन्होंने किया होगा, या औरंगजेब अच्छा था या खराब था, इससे कोई मतलब नहीं है। औरंगजेब ने लोगों को काटा मारा, कन्वर्ट किया, मंदिर तोड़े, ये साफ लिखा हुआ है, हम झुटला नहीं सकते। अगर हम केएल श्रीवास्तव की किताब को पढ़े हैं और जो ईश्वरी प्रसाद की किताब पढ़े और पुरानी किताबें पढ़े जदुनाथ सरकार की, सब चीजों में है ये, तो उसको क्यों क्यों नकारेंगे हम आज, क्योंकि वो भी तो इतिहास है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो चलता रहेगा सर। मारा साहब का जो है वो भी ये नहीं कह सकते कि ये इतिहास है, अगर वो स्टैंड लेते हैं कि इतिहास है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि हम पीछे हिस्टोरियन क्या करता है, ड्रामा क्रिएट करता है अपने माइंड में, एक अपने माइंड में ड्रामा क्रिएट करता है हिस्टोरियन, और उसके आधार से ही पीप्स इनटू द पास्ट। अब हम ड्रामा कैसे क्रिएट करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन साइकोलॉजी एंड साइके एंड आवर इंटेंशंस एंड मोटिवेशंस। तो वो ड्रामा भी जो है कभी कभी मेलो ड्रामा हो जाता है कई बार। अब जैसे राम और रामायण की बात होती है,
ये चीज तो सर्वविदित है कि रामायण कितनी पुरानी है, ये विवाद का प्रश्न है, मगर राम को हम कब से मानते हैं ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि सोर्सेज नहीं नहीं आस्था नहीं सोर्सेज है ना। आप पी एन मुखर्जी की किताब 2 वॉल्यूम में है रामायण पे, उसको देख लीजिए, इतने 100 सालों से तो रामायण की बात करती है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, राम के अस्तित्व को खोजना हमारे बस का बात नहीं है। बहुत अच्छा, सही, हमारे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि हम कहां उस समय जमाने में पैदा हुए, तो हम कैसे जो चीज चली आ रही है उसको क्वेश्चन कैसे करें। जो आपका एक बस एक सेकंड बोल लूंगा, जो आपका भजन है आपने अच्छा है कि जो चीजें प्रचलित है कम से कम उनको लाइट में लाए, मगर उनको आप इतिहास के रूप में क्लेम करते हैं तो प्रश्न तो लगेंगे सर आपके भी, क्योंकि वो परखने पड़ेंगे ना। जैसे आपने कहा कि सारे आधुनिक इतिहासकारों ने ये नहीं कहा कि राजपूत विदेशी, नहीं कहा, गौरी शंकर ओझा आपने नाम लिया उन्होंने कहा कहा, और डी आर भंडारकर ने कहा कहा, आरसी मजुमदार ने कहा कहा, उन्होंने तो कहा ये बप्पा रावल जो था ब्राह्मण था, ठीक है, ब्रह्म छत्र का सिद्धांत है ना। नहीं तो मैंने ये कहा, एक मिनट आप तो बाद में बताएं, मतलब सारा कुछ एक जनरलाइज भी नहीं करना चाहिए, एक पर्टिकुलर बात करिए, किन इतिहासकारों ने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत माना, किन्होंने वैज्ञानिक उत्पत्ति का सिद्धांत माना, किन्होंने अग्निकुंड का सिद्धांत माना, इतने सिद्धांत है इतिहास के, तो राजपूतों की उत्पत्ति के, तो इसलिए ये कह देना कि सब आधुनिक इतिहासकार वो गलत है, सारे आधुनिक इतिहासकार नहीं है, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा है तो कुछ ने ऐसा भी तो कहा है कि वो ब्राह्मण थे और ब्रह्म छत्र का सिद्धांत था, बाद में आपने खुद कहा कि राणा लिखना शुरू कर दिया, राणा उनकी कास्ट नहीं थी, आज सब लोग राणा बने हुए, ठीक है। और अगर कोई है ना प्रश्न हम लोगों के, इसलिए ये मेरा विनम्र निवेदन है कि हम इतिहास वालों को भी और साहित्य वालों को भी अपनी बाउंड्रीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे के खेत चरने जाएंगे लट जरूर पड़ेंगे साहब, ये निश्चित है, ठीक है। और कोई हमारे बीच में कोई प्रश्न हो आप? आई जस्ट वांट टू कॉम्प्लीमेंट थिंग, बिकॉज एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वी प्रेजेंटेड ऑन स्टेज, तभी दर्शन निदर्शन के साथ भी प्रदर्शन कर, एंड दैट इज कवि अभिव्यक्ति स्वतंत्र, दैट्स व्हाट आई फील। सही 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 सही, या वो कवि के बारे में तो कहा गया है यत् स्याद् अनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा विरुद्धं तत् परित्याज्यं अन्यथा वा प्रकल्पयेत्। वो अन्यथा भी कर सकता है, विरुद्ध अंश को छोड़ भी सकता है। भरता से विभावश्चानुभावश्च व्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्ति, लेकिन ये जैसे कि इतिहास के बारे में चर्चा सर जो कह रहे थे, मैंने जब आधुनिक इतिहासकार का शब्द इस्तेमाल किया है, 10 मिनट तो देखिए, जिनका वर्चस्व है, विमर्श पर जिनका वर्चस्व है, मैंने ये कहा है, मैंने कहा कि वैद्य, गौरीशंकर ओझा, ये सब लोग इस धारणा से सहमत नहीं है, आगे मैंने ये भी कहा है, लेकिन जो वर्चस्वकारी इतिहासकार हैं, खास तौर पर जिनका, देखिए गौरीशंकर ओझा को तो आप जानते हैं, हिस्टोरियन तो उनको महत्व ही नहीं देते, आरसी वैद्य का कोई नाम ही नहीं लेते, मत भूलिए, नहीं नहीं सबको मत भूलिए, जनरलाइज, हाँ, ये अधिकांश इतिहासकार ये कैसे, ये देखिए, ये मॉडर्न शब्द ऐसा शब्द है जो एक अभिलक्षणा भी है, अब साहित्य वाले हैं ना आप, इसलिए हम तो फिक्स बात करते हैं, मॉडर्न, तो ये एक अभिलक्षणा भी है, वे लोग जो यूरोपीय प्रशिक्षण और अभ्यास वाले लोग हैं, मैंने ये संज्ञा उन लोगों के लिए, कॉलोनियल हिस्टोरियंस, हाँ, ये ज्यादा सही रहेगा भाई, आपका उपनिवेशकालीन आधुनिक इतिहास का प्रशिक्षण है ना, आपका ये बोल दिया, कॉलोनियल, मैं कॉलोनियल भी नहीं कहा जाना चाहिए, उपनिवेशी कोई है, कॉलोनियल के बाद तो हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड में भी हमारे यहाँ इतिहासकारों की एक पूरी परंपरा रही जो देशज सरोकारों के साथ जुड़े हुए थे, कॉलोनियल वो हुए जिन्होंने कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके निहित साम्राज्यवादी स्वार्थ थे, बाद में आप रोमिला था पर कही रही है ना, मैं ये संज्ञा इस्तेमाल नहीं करता, मैं इस तरह का वर्गीकरण भी नहीं करता, वो खुद के साथ, लेकिन उनकी भी धारणाएं बदली है, पास्ट बिफोर अस में बिल्कुल ही नया रूप उनका सामने आया है, ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल वहीं केंद्रित रह गई हो, तो ये जो संज्ञा है केवल उन लोगों के जिनका इतिहास का प्रशिक्षण, एक बात और कही गई चहल साहब ने कही और मैं भूल गया, इतिहास धर्मशास्त्र धर्म का नहीं होता, देखिए ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, आधुनिक इतिहास भी धर्म चर्च में पैदा हुआ,
और भारतीय इस्लामी लेखन तो धर्मशास्त्र का अंग है। आप देखिए, कोई ख्यात ये नहीं कहती कि इसकी विजय हिंदू विजय, लेकिन इस्लामी सारे के सारे वृत्तांत कहते हैं, मैंने उदाहरण दिए हैं, वो ये कहते हैं कि आज इस्लाम की विजय हुई, फला ध्वज लेकर वो निकला, प्रस्थान में भी इस्लाम का वो करने गया। अब अमीर खुसरो तो हमारे यहाँ हिंदी में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन जितने इस मामले में निर्मम और क्रूर वो है, जैसे हिंदुओं की मृत्यु पर सभी उनके बारे में कहते हैं, लेकिन वो तो करते हैं ये। इसलिए धर्मशास्त्र का ये तो आप आरडी आपके सारे बड़े जो मिडिवियल हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं यूरोप के, वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अरे मैं तो आपको प्रोफेसर इरफान हबीब के पिताजी का उदाहरण देता हूँ, वो ये कहते हैं खुसरो के बारे में, मैं देखिए मुझे अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, मैंने ये इस्लामी इतिहासकारों के मोहन पर बहुत विस्तार से विचार किया इसमें, वो की कहते हैं कि हम शक को लेकर पढ़ना शुरू करते हैं और शक प्रमाणित हो जाता है। वे वही कहते हैं जो अलाउद्दीन को अच्छा लगता है, जो इस्लाम के अनुरूप है, ये मोहम्मद हबीब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से अलग से। दूसरा, उनकी धारणाएं अनिवार्य है, उनके पूर्वाग्रह बहुत साफ है, तो आपको ये तो मानना पड़ेगा, और इस बात पर विस्तार से विचार भी होना चाहिए कि भारतीय इस्लामी इतिहास लेखन के में मैंने इस प्रकरण में वही बातें उठाई है जो जितनी बातें इस प्रकरण पर उनके उनका मौन का कारण है। वो चुप क्यों है? चुप इसलिए है कि वो जैसे ही कहेगा अलाउद्दीन खिलजी सिर कटवा के एक तरफ कर देगा। ये ऐतिहासिक सच्चाई है, ये तो किया है ना उन्होंने। आप देखिए जियाउद्दीन बरनी कभी दरबार का हिस्सा नहीं हो पाए बाद में, जो लिखा बाहर रहकर ही लिखा उन्होंने, उनकी पूरी जो तारीख फिरोजशाही है वो पूरी की पूरी बाहर दरबार से बाहर लिखी हुई रचना है, और उन्होंने अपनी अपने कष्ट भी व्यतीत किए। मैं तो इनसे कह रहा था, आप मलिक छज्जू वगैरह को मरवा दिया, अमीर खुसरो के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये चार विशेषताएं गिनाई है, उनमें से मुझे जो यह अलंकरण प्रधान शैली, अतिशय अलंकरण प्रधान शैली, उनके लिए अलाउद्दीन खिलजी की चापलूसी, ये चापलूसी की शुरुआत उनका जो इतिहासकार है कबीरुद्दीन क्या नाम है उनका, वो कर चुके थे। कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे वो अप्रसन्न हो। अकबर के बारे में अबुल फजल का लिखा एक एक शब्द सबसे पहले अकबर देखते थे और बाद में ही वो अक्षर से बाहर आता था, तो ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो कि हम लोग जो रीजनल हिस्ट्री पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है सोर्स को निकालना ही। थैंक यू मैम। पर मैं एक चीज आपके साथ ये ऐड करना चाह रही थी, जो आप मुस्लिम सोर्स की बात कर रहे हैं कि जो जितने भी मुस्लिम सोर्स हैं वो उसके अगेंस्ट। मैम की आवाज नहीं आ रही, सुमित मैम सुन नहीं पा रहे आप। सर जो हम जब बात कर रहे हैं, जैसे आप मुस्लिम सोर्स की बात कर रहे हैं कि वो उसके अगेंस्ट इसलिए नहीं गए कि अलाउद्दीन वो उनको मरवा देते, बट सर जब हम रीजनल हिस्ट्री में बात करते हैं चारण और भाटों की, तो चारण अपने अगेंस्ट जाते हैं। आपको ये याद होगा, शायद आप सहमत करेंगे मेरे yes. कि भगत सिंह ने जब अपने फादर अभय सिंह को मरवा दिया था तो उसको पितर हितारा कह के चारणों ने खूब उसका लिखा है, ख्यातों में लिखा गया है, नैन्सी ने लिखा है कि उसने मतलब कितना मतलब दुष्ट पुत्र है, इसको नरक में स्थान मिलेगा, इसने अपने पिता को मार दिया। तो वहाँ ये डर हमें रीजनल जो उसमें है देखने को नहीं मिलता है, वहाँ तो वो उनसे ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंट नजर आते हैं अपना बात कहने के लिए और लिखने के लिए, जो कि हमें इस्लाम में दिखाई नहीं देता है। कमोबेश ये जो सुमित जी कह रही है अक्षर से सही बात है, कमोबेश स्वतंत्र है रीजनल हिस्टोरियन, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और सत्ता इतनी वर्चस्वकारी भी नहीं है मध्यकाल। अब जैन यति मुनि वहां बैठकर क्या लिख रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है किसी राजा को क्या लिखना है, वो लिख रहा है आपने जो सुना वो लिख रहा है, इसलिए ये सही बात है। इसमें तो वो
बखत सिंह जब राजा बन जाता है तब कहता है, लेकिन तब भी वो क्योंकि गुरु को बहुत मान दिया जाता है तो उसे चारण की हत्या को अपराध माना जाता है या पाप समझा जाता है, तो वो उसको कुछ नहीं कहते उस चारण को, उसकी उसको। अरे चारणों से इतने भयभीत रहते थे शासक, वो भी उसे वापस लेते कब कब वो क्या लिख के चल गया है और आप विरोध नहीं कर सकते उसको। अरे उन्होंने वीर विनोद जो मेवाड़ का सबसे विख्यात इतिहास है, महाराणा फतेह सिंह के समय कंप्लीट हुआ, महाराणा फतेह सिंह ने उसको पढ़कर कहा इसको फतेह सागर में पधरा दो, मतलब फतेह सागर में डाल दो इसको। सर नहीं, बहुत आपके ऑब्जर्वेशन काफी ठीक है, अच्छे है, मैं गलत नहीं कह रहा, पर थोड़ा लाइन बाउंड्री लाइन का क्रॉस मत करिए। और दूसरा क्या है कि दूसरी बात ना, वो बात सही, वो हम भी रीति ओरल हिस्ट्री लिखी जा रही है ना आजकल, ओरल ओरल चीज को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जान बंद सिन्हा का देखिए ना ओरल हिस्ट्री, वो भी पाश्चात्य है, जब पाश्चात्य करें तो गड़बड़ हो जाता है। या ब्रोडेल का देखिए आप, या चीज एंड वोम्स देखिए उसका लिखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इतिहास ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य और कोई पूर्वत्व है, ये एटीट्यूड है और वो साम्राज्य की नीति के अनुसार बनाते हैं। दूसरी बात जो औरंगजेब और या जो जो अलाउद्दीन के नारी लोलुपता की बात, वो तो सर्वविदित है, वो तो आज भी है। सीरिया में जब ये हुए तो क्या किया उन्होंने, अफगानिस्तान में कर रहे तो क्या कर रहे, सबसे पहले औरतों को पकड़ रहे हैं, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि जिहाद के कंसेप्ट क्लियर है, कहीं भी जिहादी फोर्सेज जीतते सबसे पहले औरत पे कब्जा करो, गनीमत उनका है ये। इसलिए हरम और ये सब चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अलाउद्दीन ने और जगह भी तो किया ना उसने, इसको नकारना नहीं चाहिए, ये भी स्वीकारना चाहिए, इतिहास का प्रश्न है ये। और ये ठीक है कि उसने औरतों के लालच में बहुत सारे, उसी ने क्या सब कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं ना, ये एटीट्यूड की बात है। अब सभा के पास कोई प्रश्न नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है, और मुझे लगता है रिफ्रेशमेंट अब हो गया होगा। तो लेकिन एक चीज अंतिम टिप्पणी के रूप में करना बहुत जरूरी है कि भारत जिसका साहित्यिक इतिहास इतना प्राचीन और विपुल और अनइंटरप्टेड है, कॉपियस है, एंशियंट है और अनइंटरप्टेड है, ये तीन चीजें हमारी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको बिल्कुल मिथक या कहानियां मान करके, वेदों पुराणों को या तेसज स्रोतों को कहानियां मान करके, और केवल किसी आर्कियोलॉजिकल स्रोतों पर ही केवल उसको उसको सबसे महत्वपूर्ण मानना एक तरह का जुल्म है, एक तरह की डिस्पैरिटी है, जिस पर कम से कम इतिहासकारों को तो फिर से सोचना ही चाहिए। इस नोट पर हम इसको समाप्त करते हैं। सर को बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने कही। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, बलराम जी आपको भी, आपने भी बहुत अच्छा सेशन किया। मुझे लगता है कि मैं नहीं दिख रहा हूँ सर, आप लोग ऊपर चले, अगर नहीं हो तो मुझे माफ करें। चैल साहब नमस्ते, टीवी पे बैठे हैं, उनके रिफ्रेशमेंट का भी तो घोषणा करिए, वो अपने घर में तो करेंगे। घर में करते हैं, वर्चुअल रिफ्रेशमेंट हमारे लिए भी होना चाहिए।